सबको जय यीशु। मेरा नाम इलिसबा लकड़ा, मैं गुड़गांव हरियाणा से बोल रही हूँ। मेरी गवाही ये है कि 1 तारीख को मेरी आंखों में खुजली होने लगी थोड़ा थोड़ा, और खुजली दर्द भी होने लगा, और 3-4 दिन हो गया वो कम नहीं हो रहा था, वो सूजन बढ़ता गया और दर्द भी काफी ज्यादा हो रही थी। इसलिए 8 तारीख को मैंने ब्रदर अशोक मार्टिन मिनिस्ट्री में मैंने फ़ोन की और बहन ने फ़ोन उठाई थी। उनको मैंने अपने आँखों के बारे में मैंने बताया उनको, और प्रार्थना निवेदन भी मैंने की। और बहन के साथ बात करने के बाद आधे पौने घंटे के बाद मेरे आँखों का सूजन बिल्कुल 80% कम हो गया, और शाम को लाइव प्रार्थना देखते समय मेरे को पूरी चंगाई मिल गई है। इस कृपा के लिए परमेश्वर को धन्यवाद देती हूँ, अशोक ब्रदर को धन्यवाद देती हूँ, पूरी टीम को धन्यवाद देती हूँ। जय यीशु, हालेलुया। मैं करुणा वैद्य, कांकेर छत्तीसगढ़ से। मैं दिसंबर महीने में अशोक मार्टिन जी की प्रार्थना सभा टीवी के माध्यम से सुन रही थी, और उसी बीच फरवरी में छत्तीसगढ़ रायपुर ब्रदर का आना हुआ और मेरी मुलाकात उनसे हुई। मैं आपके समक्ष अपनी गवाही देना चाहती हूँ, क्योंकि जब से मैंने अशोक मार्टिन जी को सुनना चालू किया है, उन्होंने जो प्रभु की महिमा की है, उससे मेरी आत्मा से मैं उन चीजों से जुड़ने लगी, और मुझे बाइबल पढ़ने में और अन्य कामों में भी बहुत रुचि आई। प्रभु के बारे में जानना, सुनना, उनके वचन की व्याख्या और उनकी गहराई, वो मुझे बहुत पसंद आने लगी, और मैं धीरे धीरे जुड़ती चली गई। और एक दिन ऐसा हुआ कि फरवरी महीने में मेरी बेटी का परीक्षा था, और उसको उसने तीन लेवल था, दो लेवल वो पार कर चुकी, एक लेवल इंटरव्यू का बचा था जहाँ सिर्फ 3 पोस्ट थी और 18 कैंडिडेट थे। मैंने ब्रदर को प्रेयर रिक्वेस्ट भेजा था कि इतने कम पोस्ट हैं, मेरी बेटी का सिलेक्शन हो, इसके लिए आप प्रार्थना करिएगा ब्रदर। और मैंने भी प्रार्थना प्रभु से किया, और ब्रदर ने प्रार्थना की राशि वैद्य के लिए, और उस 3 पोस्ट में एक पोस्ट मेरी बेटी के नाम हो गया, और इसके लिए मैं प्रभु का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ, उन्हें महिमा देती हूँ। और मैं ब्रदर को भी धन्यवाद करती हूँ उनके मिनिस्ट्री के लिए, उन्हें धन्यवाद करती हूँ कि उन्होंने हमारे जीवन में, उनकी प्रार्थना ने हमारे जीवन में कार्य किया और मेरी बेटी को दिल्ली में पोस्टिंग मिल गई। आप सभी को धन्यवाद। जय मसीह। मेरा नाम क्रिस्टीना रॉबिन जोसेफ है, मैं गोंदिया महाराष्ट्र से हूँ। मेरी गवाही ये है कि मैं जब प्रेग्नेंट थी तब मैंने कोई भी मेडिसिन नहीं खाई थी। मैंने पूरी तरह से अपने आप को, अपने बच्चे को परमेश्वर को समर्पित कर दी थी, ये बोल के कि मैंने पितृभू में जय पाई है, मुझ में परमेश्वर का पुत्र है और परमेश्वर का आत्मा भी, और मेरी डिलीवरी एकदम अच्छे से हुई है, बच्चा एकदम स्वस्थ है और मैं भी। इसलिए मैं परमेश्वर को धन्यवाद देती हूँ और भैया को भी और उनकी पूरी टीम को। जय श्री। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु यीशु मसीह के अद्भुत, महान और धन्य नाम में आप सब लोगों का जो लाइव हैं और जो यहाँ हैं, दोनों का मैं स्वागत करता हूँ। अशोक मार्टिन मिनिस्ट्री आपका स्वागत करती है, और इस समय हम परमेश्वर की उपस्थिति में हैं, और बाइबल के अनुसार लिखा है कि जहां 2 या 3 उसके नाम पर होते हैं, वो वहां पर उपस्थित होता है, हाजिर होता है। हालेलुया। देखो मत्ती 18:20 में लिखा है, जहां 2 या 3 मेरे नाम पर इकट्ठे होते हैं, वहां मैं उनके बीच में होता हूं, शायद होऊंगा ना, कभी होऊंगा और कभी नहीं होऊंगा नहीं, जहां उसके नाम पर 2 या 3 इकट्ठे होंगे वो वहां उनके बीच में होगा, होता है। हालेलुया। तो हमारा परमेश्वर हमारे मध्य में है,
हम ये विश्वास करते हैं और ये प्रार्थना जो इस स्थान पर है, प्रभु इस प्रार्थना के द्वारा इस स्थान और इस पूरी सोसाइटी को आशीषित करे। हालेलुया। हर एक जवान, हर एक बुजुर्ग, हर एक माता पिता, हर एक बच्चा, हर एक जन आशीषित हो। हालेलुया। और मैं विश्वास करता हूं कि जब परमेश्वर के वचन की घोषणा होती है, उसका वचन सुनाया जाता है, तो बदरूहें भागने लगती हैं, दुष्ट आत्माएं भागने लगती हैं, बंधन टूटने लगते हैं, श्राप हट जाते हैं। और मैंने एक नहीं कई बार देखा है, और आपने भी एक नहीं कई बार देखा होगा, आप जहां कहीं भी आए हैं और जहां कहीं भी इस सेवा के द्वारा प्रार्थना सभा आयोजित हुई है, उस जगह पर आपने छुटकारा देखा है और आपने बढ़ोतरी देखी है। इवन आपके खुद की भी बढ़ोतरी, आत्मिक बढ़ोतरी आपने देखी है। हालेलुया। तो हम विश्वास करते हैं कि उसकी उपस्थिति आपकी जिंदगी में हर अधूरेपन को पूरा कर देगी। आमीन। इधर तीन कुर्सी आगे खाली पड़ी हैं, किसी को इधर आना हो तो यहां आगे आ जाना, आगे वालों को ज्यादा फायदा हो जाता है कई बार। हालेलुया। ओके। तो इस प्रार्थना में उपस्थित आप सब लोग आशीषित होंगे और भी ज्यादा आशीषित होंगे। बस शर्त यह है कि जब आप परमेश्वर के वचन को सुनते हैं तो आप ध्यान से सुनना, ईमानदारी से सुनना। बाइबल कहती है भजन संहिता 138, साम 138 वर्स 2, वहां पर लिखा है कि परमेश्वर ने क्या लिखा है, मैं तेरे पवित्र मंदिर की ओर दंडवत करूंगा और तेरी करुणा और सच्चाई के कारण तेरे नाम का धन्यवाद करूंगा, क्योंकि तूने अपने वचन को अपने बड़े नाम से अधिक महत्व दिया है। हालेलुया। परमेश्वर ने अपने वचन को अपने बड़े नाम से भी अधिक महत्व दिया है, इंपॉर्टेंस दी है। उसने अपने वचन को अपने बड़े नाम से भी अधिक इंपॉर्टेंस दी है, उसने महत्व दिया है। तो इसका मैसेज ये है कि जैसे उसने जो है अपने वचन को अपने नाम से भी अधिक महत्व दिया है, तो हम भी उसके वचन को महत्व दें। हालेलुया। उसके वचन को हम महत्व दें, और उसका वचन ही है जो हमारी जिंदगी को तराशता है, बनाता है। बाइबल तो ये कहती है सब कुछ परमेश्वर के वचन से बना है, और ऐसा कुछ भी नहीं जो परमेश्वर के वचन के बिना बना हो। आदि में शब्द था, शब्द परमेश्वर के साथ था, और शब्द ही परमेश्वर था, बाइबल कहती है। देखो, आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था, वचन परमेश्वर था। आगे चलो, यही आदि में परमेश्वर के साथ था, और आगे चलो, चलते चलो, सब कुछ उसी के द्वारा उत्पन्न हुआ, जो कुछ उत्पन्न हुआ उसमें से कोई भी वस्तु उसके बिना उत्पन्न नहीं हुई, यानी वचन के बिना कुछ भी उत्पन्न नहीं हुआ। हालेलुया, हालेलुया। ये दुनिया, दुनिया की चीजें, सब कुछ परमेश्वर ने वचन के द्वारा बनाया, और शुरुआत से उसने जो कुछ बनाया है उसको वही ठीक कर सकता है। अगर उसमें कुछ गड़बड़ी हो जाए तो वही ठीक भी कर सकता है। हालेलुया। परमेश्वर का वचन ही है जो सब कुछ को ठीक कर सकता है, क्योंकि वचन सबसे पहले था, तो जो सबसे पहले है वो उसके बाद की चीजों को ठीक कर सकता है। हालेलुया। अगर वचन सबसे पहले था तो उससे पहले कुछ भी नहीं था, ना तो दुख था, ना बीमारी थी, ना गरीबी थी, ना दूसरी चीज। तो वचन जो सबसे पहले था वही वचन बाद में जो चीज हुई, चाहे वो दुख थी, बीमारी थी, निराशा थी, पाप था, उस सब का केवल और केवल सेटलमेंट परमेश्वर का वचन ही कर सकता है, और कुछ नहीं कर सकता है। हालेलुया। समझ रहे हो आप? नहीं समझ रहे? आपके पिताजी अगर सबसे पहले थे तो आपके पिताजी को ज्यादा पता होगा, या आप जो बेटे हैं आपको ज्यादा पता होगा?
हाँ, तो जो सबसे पहले होता है उसे सबसे ज्यादा पता होता है। वचन जो सबसे पहले था, उस वचन के द्वारा ही बाद की चीजें ठीक की जा सकती हैं। तो वचन को महत्व देना अपनी जिंदगी में, इससे बढ़कर और कुछ भी नहीं है। जो व्यक्ति परमेश्वर के वचन को महत्व देगा, परमेश्वर उसे महत्व देगा। जो व्यक्ति परमेश्वर के वचन को ठोकर मारेगा, परमेश्वर उसको ठोकर मारेगा। क्यों? क्योंकि उसके वचन से बढ़कर और कुछ भी नहीं है। और ये वचन केवल शब्द नहीं रहा, बल्कि ये देहधारी हुआ। आगे चलो, 4 में लिखा है, उसी उसमें जीवन था, वो जीवन मनुष्यों की ज्योति था। कौन? वचन। आगे, ज्योति अंधकार में चमकती है और अंधकार ने उसे ग्रहण नहीं किया। आगे चलो, एक मनुष्य परमेश्वर की ओर से आ उपस्थित हुआ, जिसका नाम यूहन्ना था। आगे चलो, वो गवाही देता देने के लिए आया ज्योति की, ताकि सब उसके द्वारा विश्वास करें। वो अपने आप तो ज्योति नहीं था, उस ज्योति की गवाही देने के लिए आया था। सच्ची ज्योति जो हर मनुष्य को प्रकाशित करती है, जगत में आने वाली थी। वो जगत में था, जगत उसके द्वारा उत्पन्न हुआ, जगत ने उसे नहीं पहचाना। और वो अपने घर आया और उसके अपनों ने उसे ग्रहण नहीं किया। और परंतु जितनों ने उसे ग्रहण किया, उसने उन्हें परमेश्वर की संतान होने का अधिकार दिया, अर्थात उन्हें जो उसके नाम पर विश्वास रखते हैं। ये कौन है? ये वचन है। आगे, वे ना तो लहू से, ना शरीर की इच्छा से, ना मनुष्य की इच्छा से, परंतु परमेश्वर से उत्पन्न हुए। आगे, वचन देहधारी हुआ और अनुग्रह और सच्चाई से परिपूर्ण होकर हमारे बीच में डेरा किया, और हमने उसकी ऐसी महिमा देखी जैसे पिता के इकलौते की महिमा। वचन देहधारी हुआ। ये वचन केवल शब्द में लिमिटेड नहीं रहा, बल्कि इस वचन ने देह धारण किया है। ये वचन देहधारी हुआ है। बोलो, वचन देहधारी हुआ है। फिर से बोलो, वचन देहधारी हुआ है। किसी ने कहा, एक समय था जब वचन ने देह धारण किया था, लेकिन अब समय आ गया है कि अब देह वचन को धारण करे। सुना आपने? एक समय था जब वचन ने देह धारण किया था, लेकिन अब समय आ गया है कि देह वचन को धारण करे। कौन सी देह? अगर आप अपने आप के बारे में पढ़ना चाहते हो, तो आप पढ़ सकते हो 1 कुरंथी 3:16, 1 कुरंथियन 3:16। देखो क्या लिखा है वहां। क्या तुम नहीं जानते कि तुम परमेश्वर का मंदिर हो? क्या लिखा है? मतलब तुम परमेश्वर के मंदिर हो, मतलब तुम्हारा शरीर। और आगे लिखा है, और परमेश्वर का आत्मा तुम में वास। आगे चलो, यदि कोई परमेश्वर के मंदिर को नष्ट करेगा, तो परमेश्वर उसे नष्ट करेगा, क्योंकि परमेश्वर का मंदिर पवित्र है और वह है, तुम हो। बोलो, मैं परमेश्वर का मंदिर हूं। परमेश्वर कहां रहता है? मुझ में। कहां रहता है? बाइबल कहती है, परमेश्वर हाथ के बनाए हुए मंदिरों में नहीं रहता है। परमेश्वर कहां रहता है? बाइबल कहती है, पुट दैट वर्ड्स, परमेश्वर हाथ के बनाए हुए भवनों में, मंदिरों में नहीं रहता है, बल्कि परमेश्वर रहता है मुझ में और आप में, क्योंकि हम ही उसके। देखो, जिस परमेश्वर ने पृथ्वी और उसकी सब वस्तुओं को बनाया, वो स्वर्ग और पृथ्वी का स्वामी होकर हाथ के बनाए हुए मंदिरों में रहता है। है? रहता है, लिखा है नहीं रहता है। हालेलुया। वो हाथ के बनाए हुए मंदिरों में नहीं रहता है, तो किसके हाथ के बनाए हुए मंदिर में नहीं रहता है? मनुष्यों के। वो कौन से मंदिर में रहता है? जिसको उसने खुद अपने हाथ से बनाया है, और वो मंदिर आप और मैं हैं। हालेलुया, हालेलुया। आप और मैं वो मंदिर हैं, मैं और आप वो मंदिर हैं, जिसमें वो रहना चाहता है। क्या आप उसे रहने दोगे? हैं? क्या आप उसे रहने दोगे अपने अंदर?
और अगर आप उसे रहने नहीं दोगे तो फिर वो भी आपको रहने नहीं देगा। हालेलुया। यदि कोई व्यक्ति इस बात को नहीं पहचानता है तो बहुत बड़े मुसीबत में फंस जाएगा। हालेलुया। ये जो है सुनने में जितना आसान लगता है, प्रैक्टिकली ये उतना आसान नहीं है। जब होने लगती हैं चीजें तो बहुत ही कठिनाई आ जाती है। हालेलुया। परमेश्वर हाथ के बनाए हुए मंदिर में नहीं रहता है, बल्कि उसने जो अपने हाथ से बनाया है ना, यानी आपको और मुझको, आप में और मुझ में वो रहता है। तो यदि आप में और मुझ में वो रहता है तो हमें बहुत ही सतर्कता से जीने की जरूरत है, जिससे कि परमेश्वर का भवन यानी जो मैं हूं, मैं कहीं नष्ट ना करूं और परमेश्वर के भवन को गंदा ना करूं। क्योंकि बाइबल कहती है पहला कुरंथी 3:17 में कि जो इसको नष्ट करेगा, इस मंदिर को, मैं उसे नष्ट कर दूंगा। हालेलुया। कोई भी शराब नहीं पी सकता है फिर, कोई भी झूठ नहीं बोल सकता है फिर, कोई भी पाप नहीं कर सकता है फिर, कोई भी पॉलिटिक्स नहीं कर सकता है फिर। और अगर कर रहे हैं आप कोई भी, तो फिर आप नष्ट किए जाएंगे। हालेलुया। ये तो बाइबल है, ये अशोक मार्टिन थोड़ी है, ये तो बाइबल कह रही है। और आप में से कौन है जो बाइबल को नहीं मानता हो? हालेलुया, हालेलुया। कोई है ऐसा? मैं भी एक समय में ऐसा था, जो बाइबल क्या है उसको मैं मानता नहीं था, लेकिन बाद में पता चला कि परमेश्वर इसी वचन के द्वारा बात करता है और इन्हीं वचनों में हमारा जीवन छिपा हुआ है। और जितना ज्यादा मैंने परमेश्वर के वचन को पढ़ा, उतना ज्यादा बुद्धि मुझे मिली और उतना ज्यादा मैं खुलता गया और समझदार होता गया। और मैंने जाना कि सच में जैसा हम समझते हैं वैसा नहीं है, और जैसा हम नहीं समझते हैं दरअसल वैसा ही है। हालेलुया, हालेलुया। तो आए हम उस परमेश्वर को जिसको हम यहोवा भी कहते हैं, उसको पुकारें। यहोवा नाम सुना आपने? है, यहोवा का मतलब होता है सनातन काल का परमेश्वर। क्या? सनातन काल का परमेश्वर। और आपने नाम सुना होगा यहोवा शामा, बाइबल में वो कहां लिखा हुआ है? एजेकियल 48:35, यहजेकियल 48:35 में लिखा है। क्या लिखा है देखो, पढ़ सकते हो? पढ़ो। यहोवा, यहोवा इंग्लिश में लिखा है क्या? वो यहोवा शामा का मतलब क्या है? The Lord is there. Hallelujah. In short, Lord is present. परमेश्वर उपस्थित है। यहोवा शामा मतलब उपस्थित है। और एक और हम उसका नाम पुकारते हैं, कहते हैं यहोवा राह, 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 R-O-H-I, R-A-A-H, राह। इसको रोही भी बोलते हैं, R-O-H-I, रोही, रोही। ये कहां लिखा हुआ है? साम 23:1, भजन संहिता 23:1 में देखो क्या लिखा है। यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कुछ घटी ना होगी। रोही राह का मतलब है द लॉर्ड इज शेपर्ड, द लॉर्ड इज माय शेपर्ड, परमेश्वर यहोवा मेरा चरवाहा है। यहोवा राह का मतलब है यहोवा मेरा चरवाहा है। हालेलुया। इसका मतलब एक और भी है, मेरा चौपान है, चौपान। ओके, एक और हम कहते हैं यहोवा निस्सी, निस्सी सुना आपने? निस्सी, NISSI, निस्सी का मतलब क्या है? ये क्या लिखा, कहां लिखा हुआ है? एक्सोडस चैप्टर 17:15, निर्गमन की पुस्तक 17:15 में लिखा है, मूसा ने एक वेदी बनाकर उसका नाम यहोवा निस्सी रखा। हालेलुया।
यहोवा निस्सी का मतलब होता है द लॉर्ड आर बैनर, परमेश्वर मेरा झंडा है, जीत का झंडा है। हालेलुया, परमेश्वर मेरी जीत का झंडा है। और एक और हम बोलते हैं उसको यहोवा राफा, राफा RAPHA राफा। इसके बारे में आपको एक्सोडस 15:26 में पढ़ने को मिलेगा, वहां क्या लिखा हुआ है। राफा का मतलब क्या होता है, द लॉर्ड आर हीलर, इंग्लिश में लिखा हुआ है राफा। इसका मतलब है आई एम द लॉर्ड दैट हीलेथ दी, मैं तुम्हारा चंगा करने वाला यहोवा हूं, उसको हम बोलते हैं यहोवा राफा। ओके, और इसके बाद एक और हम बोलते हैं यहोवा जीरे, JERHEH जीरे, जीरे। इसका मतलब क्या है, ये लिखा है जेनेसिस 22:8-14 में लिखा है यहोवा यीरे। आपको याद होगा इब्राहिम ने कहा था परमेश्वर के पर्वत पर उपाय किया जाता है। हालेलुया, तो उस जगह का नाम उसने रखा था यहोवा यीरे। हालेलुया, देखो और चलो नौ में जाओ, नौ डालो, नौ डालो और वहां। अब ऐसे ऐसे जब आप आगे जाओगे तो इसमें पढ़ोगे आप कि इब्राहिम अपने बेटे को आगे ले जाता, उधर बलि चढ़ाने को ले जाता है, फिर बेटे को बलि नहीं लेता है परमेश्वर, उसकी जगह एक मेमने को वो बलि चढ़ाता है। और उस जगह को जब उसने मेमना पाया तो उसने क्या कहा, उसने कहा अब्राहम ने उस स्थान का नाम क्या रखा, यहोवा यिरे रखा। इसके अनुसार आज तक भी कहा जाता है कि यहोवा के पहाड़ पर उपाय किया जाएगा, द लॉर्ड विल प्रोवाइड, परमेश्वर प्रबंध करेगा। यहोवा यिरे यानी परमेश्वर प्रबंध करेगा। और एक और हम बोलते हैं यहोवा शालोम, शालोम कई लोगों का नाम भी होता है, शालोम माने सब लोग जानते हैं, कॉमन है शालोम, यहोवा शालोम यानी शांति। ये कहां मिलेगा आपको, जजेस चैप्टर 6:24 में, न्यायियों की पुस्तक, न्यायकर्ताओं का ग्रंथ अध्याय 6:24 में लिखा है। क्या लिखा है देखो, गिदियोन ने वहां यहोवा की एक वेदी बनाकर उसका नाम यहोवा शालोम रखा। हालेलुया, यहोवा शालोम का मतलब है द लॉर्ड आर पीस। हालेलुया, तो ये नाम है, क्या क्या नाम है, यहोवा शामा, इसका मतलब है परमेश्वर उपस्थित है। फिर क्या है, यहोवा राह, इसका मतलब है परमेश्वर चरवाहा है। फिर है यहोवा निस्सी, यानी तू मेरी जीत का झंडा है। फिर है यहोवा राफा, यानी तू मेरा चंगा करने वाला परमेश्वर है। फिर क्या है, यहोवा यिरे, यानी तू मुहैया प्रबंध करने वाला परमेश्वर है। फिर क्या है, यहोवा शालोम, यानी तू शांति देने वाला परमेश्वर है। हालेलुया, हालेलुया। इस पर एक भजन है, गाओगे है? ओके, यहोवा जिंदा खुदा वो हमारा बादशाह, यहोवा जिंदा खुदा वो हमारा बादशाह, वो हमारा बादशाह। जो मसीह में मुजस्सम हुआ,
मसीह में दिखाई दिया, जो मसीह में हालेलुया। मैं जब भी ऐसा करता हूं तब भी परमेश्वर की उपस्थिति मेरे अंदर आ जाती है। हालेलुया। हमने गाया यहोवा जिंदा खुदा वो हमारा बादशाह माने, मेरा राजा। क्या आपका राजा है वो, या आपका राजा कोई और है? क्या वो यीशु आपका राजा है, या आपका राजा किसी और को बना रखा आपने? जो आपका राजा होगा वही आपको जो आपको चाहिए वो देगा। अगर आपका राजा गरीब है तो आपका राजा आपको गरीब बना के रखेगा। मेरा राजा गरीब नहीं है, मेरा यीशु गरीब नहीं है, तो मैं भी गरीब नहीं हूं। सो आर यू। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आओ हम मिलके गाएं और कहें यहोवा। अरे और एक और मैंने शब्द बोला जो मसीह में मुजस्सन, मुजस्सन मतलब होता है उर्दू शब्द मुजस्सन, जिसका मतलब है दिखाई दिया, प्रकट हुआ। द गॉड ऑलमाइटी वॉज मैनिफेस्टेड इन क्राइस्ट जीसस। हालेलुया। यीशु मसीह जो परमेश्वर है, ये परमेश्वर जो यीशु मसीह में दिखाई दिया, प्रकट हुआ। हालेलुया। एक बार और गाते हैं हम यहोवा जिंदा खुदा वो हमारा बादशाह। बादशाह यहोवा जिंदा खुदा वो
हमारा बादशाह, यहोवा जिंदा खुदा वो हमारा बादशाह, मसीह में मुजस्सन हुआ, जो मसीह में दिखाई दिया, जो मसीह में दिखाई दिया, यहोवा शमा भी तू जो रहता साथ साथ, चौपा साथ साथ, जो भी मांगेंगे वो ही मिल जाएगा, जो भी ढूंढेंगे वो ही पाएंगे, जो भी मांगेंगे वो ही मिल जाएगा, जो भी ढूंढेंगे वो ही पाएंगे, जो भी मांगेंगे वो ही मिल जाएगा, जो भी ढूंढेंगे वो ही पाएंगे, खटखटाए तो खुल जाएगा, खटखटाए तो खुल जाएगा, खटखटाए तो खुल जाएगा, तू शांति को मना,
शक ना कर, दिल के रख मेरी मां जो मसीह में रहे। तेरे पीछे चले और शक ना करे, मिलके रखे ईमान जो मसीह में रहे। तेरे पीछे चले और शक ना करे, जो भी चाहेंगे हो जाएगा, तसल्ली देता है, तू है यहोवा येरी जो मुहैया करता है, तू है यहोवा शालों जो तसल्ली देता है। तूने बेटा दिया, सबको माफ किया, नया जन्म दिया, रूह से भर दिया। तूने बेटा दिया, सबको माफ किया, नया जन्म दिया। तूने बेटा दिया, सबको माफ किया, नया जन्म दिया, रूह से भर दिया। तूने बेटा दिया, सबको माफ किया, नया जन्म दिया, रूह से भर दिया। आज शैतान झुक जाएगा, आज शैतान झुक जाएगा, आज शैतान झुक जाएगा, आज शैतान झुक जाएगा। यहोवा जिंदा खुदा वो हमारा बादशाह, यहोवा जिंदा खुदा वो हमारा बादशाह। जो मसीह में मुजस्सम हुआ, जो मसीह में मुजस्सम हुआ, सूरज की प्रस्तिश हम नहीं करते, सूरज की प्रस्तिश हम नहीं करते, दुनिया
दुनिया के मामूलों के आगे नहीं झुकते, चांद सूरज की प्रस्तिश हम नहीं करते, क्योंकि खुशखबरी फैलाएंगे रूह में बढ़ते जाएंगे, खोए सब इंसानों को पास यीशु के लाएंगे, सब इंसानों को पास यीशु के लाएंगे, शैतान के तूफानों से हम नहीं डरते, हम नहीं डरते, क्योंकि प्रेमी पिता, आपके प्रिय पुत्र यीशु मसीह की पवित्र आत्मा की उपस्थिति हमारे मध्य में है, इसके लिए हम यहां किसी मनुष्य के नाम पर नहीं बल्कि आपके प्रिय पुत्र यीशु मसीह के नाम पर इकट्ठे हैं। मैं आपसे प्रार्थना करता हूं प्रेमी पिता, तेरा अनुग्रह इस स्थान पर और जो इस समय लाइव जुड़े हुए हैं उन पर, और जो इस समय तेरे वचन को सुनेंगे उन पर होने पाए, यीशु मसीह के नाम पर कहें आमीन। और जोरदार ताली बजाएं उसके लिए, उसको महिमा दें, वो महिमा और आदर के योग्य है। हालेलुया, हालेलुया। आप में से मैं जानता हूं बहुत सारे लोग जो इस समय लाइव जुड़े हुए हैं, और आप लोग भी जो यहां पर हैं, मैं जानता हूं कि आप लोग परमेश्वर के वचनों को
सुनते हैं और सुनना आपको पसंद है। हालेलुया। तो इस समय जो प्रभु के आत्मा ने मेरे मन में डाला आपको बताने के लिए, वो आप ध्यान से सुनना। हालेलुया। अनंत के दिनों में, अब जैसे ही मैंने ये कहा है अंत के दिन, तो बहुत सारे लोगों को इसका क्लू तक नहीं होगा कि अंत का दिन। सब तो ठीक चल रहा है तो काहे का अंत, सब तो मजा आ रहा है काहे का अंत, सब तो बढ़िया चल रहा है काहे का अंत। लेकिन आप शायद जानते नहीं हैं, और जानते इसलिए नहीं हैं क्योंकि हम बहुत कम बाइबल के संपर्क में हैं। आप जितना ज्यादा जिसके संपर्क में रहेंगे उतना ज्यादा उन बातों को जानोगे। आज एक चैलेंजिंग क्वेश्चन कर रहा हूं, सवाल कर रहा हूं, क्या हम बाइबल के संपर्क में हैं या नहीं? और बाइबल आखिर है क्या? अगर कुछ लोग ये समझें कि बाइबल महज एक पुस्तक है, एक किताब है, तो ये बाइबल एक पुस्तक एक किताब नहीं है। क्यों बाइबल एक पुस्तक एक किताब नहीं है? क्योंकि इसमें जैसा सब किताबों में लिखा हुआ है वैसा इसमें नहीं लिखा हुआ है। इसमें परमेश्वर की बातें लिखी हुई हैं, वो बातें जो उसने हजारों साल पहले कही थी, बोली थी, और वो बातें जो पूरी भी हुई। हालेलुया। और इस बात को साइंस यानी विज्ञान मानता है कि बाइबल में लिखी हुई बातें पूरी हुई हैं। आपको बताऊं, पहले साइंस मानता था कि पृथ्वी गोल नहीं है, लेकिन बाद में साइंस मानने लग गया कि पृथ्वी गोल है क्योंकि अय्यूब के ग्रंथ में लिखा है, ही सिट्स अपॉन अ सर्कल ऑफ दिस अर्थ। बाइबल में लिखा हुआ है। और जब बाद में इसको जांचा गया तब माना गया कि सच में पृथ्वी गोल है। हालेलुया। कई बार लोग समझते हैं साइंस आगे है, लेकिन मैं कहता हूं साइंस आगे नहीं है, मेरा परमेश्वर आगे है। हालेलुया। हालेलुया। मेरा परमेश्वर आगे है, साइंस आगे नहीं है, बल्कि परमेश्वर आगे है। जब साइंस नहीं था उससे पहले से मेरा परमेश्वर है, ठीक है? जब साइंस नहीं था उससे पहले से परमेश्वर है। तो इसलिए कुछ भी इस जगत के अंदर किसी भी व्यक्ति को मानने का आधार बनाना है तो वह मापदंड परमेश्वर का वचन होना चाहिए, क्योंकि परमेश्वर का वचन ही आपको सही अंडरस्टैंडिंग दे सकता है। और यही कारण है कि जब कोई व्यक्ति परमेश्वर के वचन से दूर रहता है तब वो परमेश्वर से दूर होने की वजह से बुद्धिहीन रहता है, उसके अंदर बुद्धि नहीं होती है। हालेलुया। बुद्धि नहीं होती है। और इन बातों को आपकी आदतों में क्या चल रहा है उसके आधार पर परख करके देखें कि हमारे अंदर कौन कौन सी आदतें हैं। क्या ये आदतें जो मेरे और आपके अंदर हैं, क्या यही आदतें परमेश्वर की भी हैं? हालेलुया। जो आदतें आपके अंदर हैं क्या वो आदतें परमेश्वर के अंदर भी हैं? आपके अंदर कितनी सारी प्रॉब्लम्स होंगी, कितनी सारी बातें और कितनी सारी ऐसी चीजें जिसको आप जस्टिफाई करते होगे ये सोच करके कि मैं जो कर रहा हूं सही कर रहा हूं, लेकिन आप जो कर रहे हो सही कर रहे हो ये तो उस दिन पता चलेगा जब तेरी भी किताब खुलेगी। क्या परमेश्वर की आदतें मेरे अंदर पाई जाती हैं या नहीं? और अगर नहीं तो मैं आपको इसका सीधा सा कारण बताता हूं, क्योंकि हम में से अधिकतर लोग पढ़े लिखे हैं लेकिन समझदार नहीं है। हालेलुया। पढ़ा लिखा होना और समझदार होने में अंतर यह है, जो व्यक्ति परमेश्वर के वचन को पढ़ता है सुनता है वो समझदार है। इस दुनिया की किताबें पढ़ के तो लोगों की आंखों में चश्मे चढ़े हुए हैं। हालेलुया।
क्योंकि लोग परमेश्वर के वचन को नहीं पढ़ते हैं। और केवल ये चश्मा नहीं जिसे आपने पहन रखा है, कभी आप सोचो इस चश्मे की बात कर रहा हूं मैं, ना एक और चश्मा चढ़ा हुआ है जो दिखता तो नहीं है लेकिन हमारी आत्मा की आंखों पे चढ़ा हुआ है, जिसके अनुसार मुझे सही और गलत का फर्क महसूस नहीं होता है। हालेलुया। मेरा भाई मेरी बहन दूसरे की बहन दूसरे का भाई, यहीं पे हम गड़बड़ा जाते हैं, क्योंकि मेरी आंखों पे चश्मा चढ़ा हुआ है। और इसलिए क्योंकि मैं परमेश्वर के वचन को नहीं जानता हूं, परमेश्वर का ही वचन तो है जो मेरी आंखों को रोशनी प्रदान करता है। कौन सी आंखों को? आत्मा की आंखों को रोशनी प्रदान करता है। अभी आत्मा की बात छेड़ दी तो एक बार ऐसा हुआ, एक व्यक्ति बोले, ए भैया ये बताओ क्या हमारे अंदर आत्मा भी है क्या? बोले, ए भैया ये बताओ क्या हमारे अंदर आत्मा भी है? तो मैंने कहा, क्यों तुम्हें नहीं लगता है तुम्हारे अंदर आत्मा है? बोले, नहीं मेरे को नहीं लगता है, मेरे को तो लगता है मैं पूरा का पूरा समूचा शरीर हूं। मैंने कहा, ना ना भाई तू समूचा शरीर नहीं है, तेरे अंदर आत्मा है, तेरे को कहां से पता चला कि तेरे अंदर आत्मा नहीं है? बोले, मेरे को लगता है। मैंने कहा, तुम्हारे लगने का कोई बेस है क्या? तुम्हारे लगने का कोई आधार है क्या? आजकल बहुत सारे लोगों को बहुत कुछ लगता है लेकिन क्या उनके लगने का कोई बेस है? मेरे को लगे कि जिस पर आप बैठे हो, जिस कुर्सी पे, वो आसमान है, तो मान लू? सुना आपने? अगर आपको लगे जिस कुर्सी पे आप बैठे हो वो आसमान है तो मान लू? तो आपके लगने का कुछ बेस तो होना चाहिए, कोई आधार तो होना चाहिए, कोई सबूत तो दो कि तुम्हें लगता है तो कहां से लगने लग गया? कौन सा आत्मा तुम्हें बोल करके चला गया कि ये वाली जी चीज जो मेरे को लगती है वो सही है? मैंने कहा, तुमको लगता है कि तुम्हारे अंदर आत्मा नहीं है तो तुम्हारे लगने के आधार पर थोड़ी ना माना जाएगा कि तुम्हारे अंदर आत्मा नहीं है। बाइबल क्या कहती है? हालेलुया। क्या बाइबल कहती है तेरे अंदर आत्मा नहीं है तो मान ले, लेकिन अगर बाइबल कहती है तुम्हारे अंदर आत्मा है तब जो है मान कि तेरे अंदर आत्मा है। और अगर ये आत्मा तेरे अंदर है तो फिर तेरा बनाने वाला, तेरा निर्माण करने वाला एक परमेश्वर है जिस पर तेरे को इस धरती पर रहते रहते ध्यान देना होगा कि आखिर उसने मेरे को बनाया तो काहे के लिए बनाया? फालतू में बनाया जैसे कीड़े मकोड़े गधे घोड़े बनाए। हालेलुया। काहे के लिए बनाया आपको और मुझको? एक जनाबे आली मुझे मिले और बोले कि ए ब्रदर ये बताओ कि पैसा कैसे कमाया जाए। तो मैंने कहा, क्या करोगे पैसा कमा के? बोले, धनी बनूंगा। मैंने कहा, फिर क्या करोगे? बोले, मैं खूब धनी बनूंगा तो मेरी सारी जरूरतें पूरी हो जाएंगी। और मैंने कहा, क्या क्या जरूरतें? बोले, कार खरीदूंगा, बंगला खरीदूंगा, विवाह करूंगा, परिवार होगा मेरा, और मैं दान दूंगा, दान। मैंने कहा, किसको दान दोगे? बोले, भिखारियों को। मैंने कहा, उससे क्या होगा? मैं भिखारीपना जो है ना दुनिया में वो सब मिटा दूंगा। मैंने कहा, अच्छा कितना दान दोगे भिखारी को? बोले, 10,000-10,000 रुपए। मैंने कहा, 10,000-10,000 रुपए दे करके जब तुम उन भिखारियों को छोड़ दोगे तो नेक्स्ट टाइम वो 20,000-20,000 की भीख मांगेंगे बैठ के। तुम उनके भीख मांगने की क्षमता को बढ़ाओगे, खत्म थोड़ी ना करोगे। तो ऐसा अमीर बनने से तेरे को क्या फायदा कि तू भिखारीपना ही खत्म नहीं कर पाए? ऐसा अमीर बन कि तू जो है भिखारीपना खत्म करके लोगों को इंडिपेंडेंट बना सके, ऐसा धनी बनना। बोले, ऐसा धनी कैसे बन सकते हैं? मैंने कहा, बाइबल पढ़ाकर। मैंने तो जैसे ही मैंने कहा बाइबल पढ़ाकर तो वो हंसने लगा और कहता है, अरे ब्रदर ये तो फालतू की बात है। हालेलुया। बोलता है, अरे ब्रदर ये तो फालतू की बात है बाइबल पढ़ना। मैंने कहा, ब्रदर एक दिन तेरे को पता चलेगा ये फालतू की बात है जब तेरे को आग के संडासे पड़ेंगे पीठ पे, तब तेरे को पता चलेगा ये फालतू की बात थी या फायदे की बात थी। अरे जब तू बाइबल ही नहीं पढ़ता तो तेरे को ये भी नहीं पता चलेगा कि कौन सी बात सच में फालतू की बात है। हालेलुया। सच में परमेश्वर का वचन ही आपको अलग अलग करके समझा सकता है, नहीं तो आप सारी चीजों का वो मुंबई में बिकती है भेलपुरी।
सारी चीजों की भेलपुरी बना करके तू जो है समझता रहेगा, और कभी तू इस ज्ञान तक नहीं पहुंचेगा कि सच में फालतू क्या है और फायदे की क्या है। आप जाओ आइजाया चैप्टर 8 वर्स 20 में क्या लिखा हुआ है देखो उसे, यशया नबी की पुस्तक अध्याय 8 वचन 20 में लिखा है, देखो, व्यवस्था और चेतावनी ही की चर्चा किया करो, यदि लोग इन वचनों के अनुसार ना बोले तो निश्चय उनके लिए पौ ना फटेगी। पौ का मतलब है शोभा नहीं होगी उनके लिए जो इस वचन के अनुसार नहीं बोलेंगे। किस वचन के अनुसार? परमेश्वर के वचन के अनुसार। परमेश्वर का वचन वो स्टैंडर्ड है जिसके द्वारा मनुष्य की जिंदगी किस प्रकार से होनी चाहिए बताया गया है। अगर परमेश्वर के वचन को ही हम अपनी जिंदगी में जगह नहीं देते हैं तो हम नहीं जानेंगे कि कौन सी चीज हमारे फायदे की है और कौन सी चीज हमारे नुकसान की है, और कौन सी बात को ये अंत का दिन कहते हैं, कौन सी बात को ये पाप कहते हैं, कौन सी बात को ये पवित्रता कहते हैं। जैसे दुनिया के लोग जीते वैसे आप भी जियो के लिए थोड़ी ना हो तुम। हालेलुया। जैसे दुनिया के लोग जीते हैं वैसे आप भी जियोगे तो जो उनको मिलने वाला है वो आपको भी मिलेगा। हालेलुया। आप देखो कि क्या आपके अंदर परमेश्वर के वचन के अनुसार कोई बात है। साफ कहती है बाइबल, अगर ये लोग इन वचनों के अनुसार नहीं बोलेंगे। कौन सा वचन? कई लोग मुझसे पूछते हैं, हे ब्रदर ये बताओ बाइबल में लिखा है कि बाइबल पढ़ो? मैंने कहा हाँ। बोले बाइबल में लिखा है कि बाइबल पढ़ो? मैंने कहा लिखा है ना। बोले कहाँ लिखा है? मैंने कहा जा पढ़ ले प्रकाशना ग्रंथ उसका अध्याय 1 वचन 3, रेवलेशन चैप्टर 1 वर्स 3। तीन है वन तीन। देखो धन्य है वह जो इस भविष्यवाणी के वचन को पढ़ता है। हालेलुया। और वे जो सुनते हैं और इसमें लिखी हुई बातों को मानते हैं, क्योंकि समय निकट है। तो बाइबल कहती है बाइबल को पढ़ो। अगर आप जाओ यहोशू अध्याय 1 वचन 8, जोशुआ चैप्टर 1 वर्स 8 में लिखा हुआ है, व्यवस्था की ये पुस्तक तेरे चित्त से कभी ना उतरने पाए, इसी में दिन रात ध्यान दिए रहना, इसलिए कि जो कुछ उसमें लिखा है उसके अनुसार करने की तू चौकसी करे, क्योंकि ऐसा ही करने से तेरे सब काम सफल होंगे। और तू क्या ये बात नहीं बताती कि बाइबल कह रही है कि मुझे पढ़ो? हालेलुया। क्या ये बात आपको समझ में नहीं आती कि परमेश्वर खुद अपने वचन को हमको जो उसके बेटे और बेटियां हैं हमको कहता है कि पढ़ो? क्योंकि यही वचन, मैं आपको बता रहा हूं, परमेश्वर का वचन ही वो मापदंड है जिसके अनुसार हर एक व्यक्ति की जिंदगी होनी चाहिए। इन अंत के दिनों में मैंने कहा, और अंत के दिन हैं, ये आपको समझ में तब आएगा जब आप परमेश्वर के वचन को डेली सुनते हो। आपको याद है यीशु मसीह ने प्रार्थना सिखाई थी और कहा था, आज वो प्रार्थना सब लोग कहते हैं कि हमारा हर दिन का आहार आज हमें दे, है ना? नहीं कहते? आप प्रार्थना करते हो कहते हो कि हमारा हर दिन का आहार। क्या जानते हो कि वो आहार कौन सा है? आहार मतलब रोटी दाल चावल छास, ये आहार है। ये तो तुम्हारे शरीर का आहार है। आत्मा का आहार जानते हो? ये देखो हमारी दिन भर की रोटी आज हमें देगी, बस दिस डे आर डेली ब्रेड, ये तो लिखा है। लेकिन क्या ये डेली ब्रेड वो है जो आप रोजाना खाते हो? हालेलुया। आत्मा है? हाथ तो उठाओ। अरे शर्माओ मत, हाथ काट के थोड़ी ले जाऊंगा। हाथ उठाने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, दर्द हो गया होगा। हालेलुया। सुनो, क्या मानते हो कि आपके अंदर एक आत्मा है? अच्छा आत्मा है तो कितनी आत्मा है? 50% है या 100% है? 100% है या 50% या 50-50 है? 50% आप आत्मा है, 50% आप शरीर हैं। मैं आपको बताऊं, परमेश्वर जो आत्मा है, जो कि यूहन्ना अध्याय 4:24 में लिखा हुआ है,
गॉड इज ए स्पिरिट, परमेश्वर एक आत्मा है, राइट right? उसने जब बनाया तो क्या बनाया? हमें आत्मिक बनाया, मतलब जब हमें उसने रचा तो हम आत्मा आत्मिक प्राणी थे, राइट right? अब आप मेरे को बताओ, आप चलो एफेशियन चैप्टर 1:4, एफेशियों का पत्र 1:4, देखो क्या लिखा है, जैसे उसने हमें जगत की आराम से पढ़ो, पूछ लूंगा कुछ, जगत की इंग्लिश में बिफोर द फाउंडेशन ऑफ द वर्ल्ड, जगत जब था ही नहीं तो उसने हमें चुन लिया और उसने हम उसके निकट प्रेम में पवित्र और निर्दोष हो, इसके लिए उसने हमें चुन लिया। जगत की उत्पत्ति से पहले उसने उत्पत्ति से पहले उसमें चुन लिया, उसमें किसमें चुन लिया? यीशु मसीह में। अरे जब हम होंगे तभी तो चुनोगे। मान लो मैं आपके सामने जो है चार फोन रख दूं, तो जब आपके सामने रखूंगा तभी तो आप एक उठाओगे। अगर आपके सामने ही ना रखूं तो आप चुनोगे नहीं, लेकिन जब आपके सामने होगा तभी तो चुनोगे। तो जब हम थे तभी तो मसीह में चुने गए, लेकिन हम कब थे? जगत की। अब मेरा सवाल है, क्या हमारा शरीर था? शरीर नहीं था तो फिर क्या थे? तो हम असली में क्या हैं और असली में हम क्या नहीं है? इसलिए जब मरते हो ना तो तुम्हारा कुछ नहीं जाता साथ में, हड्डी भी नहीं जाती यहां से। हालेलुया, क्योंकि आप असली में क्या हो, राइट? अभी आत्मा का खाना खाते हो क्या? आपको बताऊं, आप में से कई लोग ऐसे होंगे जो आज बड़े बहादुर बन के दिखाएंगे। कई जवान लड़के होते हैं जिनके अंदर जवानी छलक रही होती है, खून गरम गरम होता है, उबल रहा होता है, दौड़ता भागता है और कहता है मेरे से बढ़कर कौन, बूढ़ा हो गया बाप तो उसको लात मार, बूढ़ी हो गई माँ तो उसको कुछ ना समझ, बूढ़ा हो गया तो उसको कुछ, तुम्हें क्या मालूम है, तुम्हें मालूम है कौन सी जनरेशन चल रही है? ला मेरे को पैसे दे, ला मेरे को ये दे, मैं करके आऊंगा ये दे, और जो है बाइक चलाता अपनी जिंदगी का होश रहता है उसको, अगर जो है एक बार टकरा गया तो बेचारा जो है ठुंक जाएगा, पिस जाएगा, चिपक जाएगा जाके ट्रक में या जो ट्रॉली के पीछे, लेकिन फिर भी उसे होश रहता है क्या? क्यों? कि जवानी उसको बहका रही है। हालेलुया, नौजवान रहता है इतना ज्यादा हट्टा कट्टा, वो किसी को नहीं समझता है। हालेलुया, समझ रहे हो आप, किसी को कुछ भी नहीं समझता है वो, पता नहीं क्यों। लेकिन जब एक बार जो अपने आप को कहता है मैं ये हूं, मैं ये कर लूंगा, मैं मुझे बता, किसने कुछ कहा मुझे बता। हालेलुया, मैं जो आपके सामने बैठा हूं ना, जब मारता था पकड़ पकड़ के लोगों को, हाँ, किसने क्या, कौन है, दादा बना रहता था अपने मोहल्ले का, हाँ, मोहल्ले के बाहर तो दादा नहीं बनते थे, बिल्ला बन जाते थे, क्योंकि बाहर दूसरे दादा ही होते थे जो हमारी बैंड बजाते थे। हालेलुया, तो हम लोग मैं आपको बता रहा हूं जवान लोगों की टेंडेंसी, ये जो जवान होते हैं, ये लोग जो बहुत ज्यादा भूख दिखाते हैं ना, इनके अंदर कितनी क्षमता मौजूद है, ये सच में कितने ताकतवर हैं, ये तब पता चलता है जब इनके ऊपर परिवार की जिम्मेदारी आती है। हालेलुया, जब इनके ऊपर घर चलाने की जिम्मेदारी आ जाए, जब ड्यूटी जाने की जिम्मेदारी आ जाए, या कोई इनको धमका दे या कोई इनको कुछ कह दे, उसके बाद पता चलता है कि इसके अंदर कितनी सच में अंदर की सामर्थ्य कितनी है। हालेलुया, एक बार ऐसा हुआ, एक मोटा सा आदमी था और दिखने में तो हट्टा कट्टा था, तो एक फोन आया उसका, अपनी गर्लफ्रेंड के साथ बैठा हुआ था, आजकल भी ऐसी होता है। हालेलुया, चर्च जाता है तो हाय हाय,
आंखों में इशारा हो गया, तू हमारा मैं तुम्हारा हो गया है। हालेलुया। अरे जिस क्लास में तुम पढ़ रहे ना, उस क्लास का हेडमास्टर हूं मैं। हालेलुया। तुम्हारी आंखों से समझ में आता है मेरे को कि क्या चल रहा है। हालेलुया। सुनना ध्यान से, एक महत्वपूर्ण बात बताने जा रहा हूं। ये लोग एक मोटा आदमी अपनी गर्लफ्रेंड के साथ बैठा हुआ कॉफी पी रहा था, और मैं भी वहां बैठा हुआ था कॉफी पी रहा था बॉयफ्रेंड के साथ तो ये मैं देख रहा हूं उसको, तो मैं जो है अपना वो फ्लाइट का इंतजार कर रहा था, ये पी रहा है। फोन आता है। अभी फोन में कई बार आपने सुना होगा कि आवाज इतनी जोर से होती है कि भले ही स्पीकर ऑन ना हो फिर भी। तो मैं सुन रहा हूं, वो कहता है, सामने से कोई कहता है, ओए कहाँ है तू? मैं यहां पे हूं। ओए तेरी मम्मी को कुछ हो गया है? तो उसके हाथ से फोन गिर गया नीचे, और जो है वो फैल गया नीचे, और मम्मी को कुछ हो गया करके रोने लग गया। अब वहां पर रो रहा है, मम्मी को कहां हुआ है और ये रो कहां रहा है? मैं कह रहा उसको कि अबे मोटे उठ और अपनी गर्लफ्रेंड को उठा और जा अपनी मम्मी को देख, इतनी हिम्मत खत्म हो गई तेरी, वैसे तो बड़ा मोटा दिख रहा है। तो अंदर की ताकत पती गई है, पती गई, हाँ पत्नी आई, अंदर की ताकत खत्म हो गई, गई। इसी से पता चलता है कि आजकल का हट्टा कट्टा नौजवान दिखने वाले के अंदर कोई भी मजबूती नहीं है। वो तुझे क्या संभालेगा, खुद को संभाल ले, वही बड़ी बात है। हाँ वो तुमको क्या संभालेगा, तू जो है उसके ऊपर टिकी जा रही, लदी जा रही कि मेरे मैं संभाल लूंगा तेरे को, मैं कर लूंगा तेरा, उठा लूंगा तेरा भार। वो अपना भार तो उठा ले पहले, भाई साहब अपना भार वही उठा पाएगा जो पहले यीशु मसीह के क्रूस का भार उठाना शादी से पहले सीख जाए। शादी से पहले अपने प्रभु यीशु के क्रूस का भार उठाना जो अपनी जिंदगी में सीख गया ना, वो तेरा क्या, अरे तेरे पूरे परिवार खानदान दुनिया का बोझ उठा करके जी लेगा। इतनी जो है, पॉल कहता है, पॉल का घर था, पॉल उसका घर था, धन था, मित्र थे, दुश्मन ही दुश्मन थे, चारों तरफ से घिरा हुआ था, कोई आदर और सम्मान और इज्जत नहीं थी, लेकिन कौन था उसका, परमेश्वर। और वो जिसका कुछ नहीं था कहता है, जो मुझे बल देता है उसकी सहायता से मैं सब कुछ कर सकता हूं। फिलिपियन चैप्टर 4:13, जो मुझे सामर्थ्य देता है उससे मैं सब कुछ कर सकता हूं, जो मुझे बल देता है उससे मैं सब कुछ कर सकता हूं। अकेला था, पत्नी नहीं थी, बच्चे नहीं थे, अकेला था। अकेला होते हुए घर नहीं है, सपोर्ट नहीं है, कोई साथी नहीं है, कोई संगी नहीं है, फिर भी कहता है जो मुझे बल देता है उसकी सहायता से मैं सब कुछ कर सकता हूं। कितनों को तो वह संभालता था, कितनों को तो वह ढारस बंधाता था, उसकी जिंदगी में क्या चलता था किसी को नहीं मालूम था। वो बाइबल कहती है Romans 9:2, उसका दिल हर दिन दुखा करता था, बाइबल कहती है। वो कहता है मुझे बड़ा शोक है और मेरा मन सदा दुखता रहता है। हालेलुया। एंड कंटिन्यूअल सॉरो इन माय हार्ट, हर दिन उसका दिल दुखता था, लेकिन उसके बाद भी अपने दुखित दिल का ख्याल नहीं था, लेकिन परमेश्वर के लोगों का ख्याल था उसे, और परमेश्वर के लोगों को वो सांत्वना देता था। बैकग्राउंड में किस तरह से वो झेलता था परमेश्वर ही जानता है, लेकिन फिर भी वो कहता है जो मुझे बल देता है उसकी सहायता से मैं सब कुछ कर सकता हूं। जो परमेश्वर के पुत्र के क्रूस का बोझ उठाना अपनी जिंदगी में सीख गया ना, वो पूरी दुनिया का बोझ उठाना सीख जाएगा। उसको सिखाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, किसी स्पेशल क्लास और ट्रेनिंग की जरूरत नहीं पड़ेगी। वो तो जो है जीवित है तो मसीह के लिए, और मर भी गया तो मसीह के लिए, ऐसी जिंदगी होती है उनकी। हालेलुया। मेरे भाई मेरी बहन, आजकल सचमुच में लोग अंदर से मजबूत हैं कि नहीं मजबूत हैं, ये पता चलता है जब उनके ऊपर जिम्मेदारी आ जाती है,
जब उनके ऊपर प्रॉब्लम आती है, जब वो कोई दुख की खबर सुन लेते हैं, जब कोई ट्रेजेडी आ जाती है, तो उनका डर कैसे, सॉरी, उनका हृदय कैसे डर से घिर जाता है, कैसे वो कांपने लगते हैं। दे आर नॉट एबल टू हैंडल द सिचुएशन। हालेलुया। एक बार ऐसा हुआ, एक लड़का एक लड़की को प्यार करता था, उससे वो प्रेग्नेंट हो गई। तो जब तक प्रेग्नेंट नहीं हुई थी, तब तक कहता था, मैं तुझे कभी नहीं छोड़ूंगा, मैं तुझे बहुत प्यार करता हूं, मैं तुझसे शादी भी करूंगा, ये वो सब। उसने अपना शादी से पहले सब कुछ सौंप दिया इसको। प्रेग्नेंट हो गई, और उसके बाद जब पता चला प्रेग्नेंट हो गई, तब उसने कहा कि सुनो, मेरे को प्रेग्नेंसी हो गई है, मैं प्रेग्नेंट हूं। तो वो कहता, क्या, और ये कैसे हुआ? तो वो कहती, तुमने किया, हुआ वैसे हो गया। तो क्यों, तू तो कहता था तू तो शादी कर लेगा, तू तो प्यार करता है, अब क्या हो गया? क्योंकि अब तेरे को समझ में आ रहा है कि यार मैं तो फंस गया। हालेलुया। यार मैं तो फंस गया। तो जो है फालतू की सलाह देने लगता है, क्या है, काय के लिए? एंड दे गो बियॉन्ड द वर्ड ऑफ गॉड। है दीदी, दे गो बियॉन्ड द वर्ड ऑफ गॉड। वो परमेश्वर के वचन के परे चला जाता है। परे मतलब जो वो पढ़ता था, जो वो चर्च में सुनता था, उसका इतना सा ख्याल उसको नहीं आता है कि वॉट दे आर गोइंग टू डू इज सिन, एंड वॉट दे वर डूइंग बिफोर, What happened was sin. Hallelujah. क्या समझ में आया आपको? इनको परमेश्वर के वचन के अनुसार जीना नहीं आता है. So they commit sin before marriage. They commit sin. Hallelujah. And after marriage they fight. शादी के बाद क्या होता है? झगड़े होते हैं. Hallelujah. एक मेरे दोस्त ने कहा कि यार एक बात बता, शादी से पहले इतना प्यार क्यों दिखाते हैं, और शादी के बाद वही सेम प्यार क्यों नहीं रहता है, सेम प्यार क्यों नहीं रहता है, सेम है ना, जिसकी वजह से वो आकर्षित हुआ था, आकर्षित हुई थी, आया था, आई थी, लिपटा था, लिपटी थी, पीठ पे सवार हो गया था, हो गई थी, राइट? तो ये शादी के बाद बना क्यों नहीं रहता है? ये शादी से पहले पेट्रोल वो बुलेट की वो टंकी फुल रहती है, और शादी के बाद कभी तो टायर पंचर, कभी तो जो है वो स्टार्टर खराब है, भाई अनुग्रह मार्टिन, कभी तो जो है तुम्हें पता ही नहीं, कोई इधर घुमाना मत, ठीक है? हाँ, और जो है कभी तो जो है पेट्रोल की टंकी खाली, कभी तो जो है वो बाइक सर्विस सेंटर से ही नहीं आ रही बाइक सर्विस सेंटर से ही नहीं आ रही है। क्यों? ये शादी के ही बाद हो जाता है। शादी से पहले तो सब सही चलता है ना, बिल्कुल बिल्कुल कांटा ग्रीन पे रहता है। शादी के बाद कांटा पता नहीं क्यों रेड पे चला जाता है, नील हो जाता है, नील खाली बिल्कुल। हालेलुया। मैगी वो क्या है, वो तुम्हारे मामा गाना गाते थे ना, जब से हुई है शादी आंसू बहा रहा हूं। हालेलुया। बेचारे आ जाते थे, हारमोनियम लेके बैठ जाते थे और सुनाते थे। मैं तो उस समय तक ज्यादा प्रचार वगैरह करता नहीं था, तो मैं इनके मामा को देखता था, तो सोचता था शादी इतनी बुरी होती है क्या, जब से हुई है शादी आंसू बहा रहा हूं। उसके आगे भी कुछ लाइन है, तो मतलब जो जब जिम्मेदारी आती है, अभी जब इसको पता चला प्रेग्नेंट हो गई, अब शादी भी करनी पड़ेगी। वे तो पहले ही सोच के बैठा था कि शादी ना करना पड़े, बस ऐसे लिविंग रिलेशन में ऐसे जीते चलो, और जब कुछ हो जाए तो फिर जो है पल्ला झाड़ दो। हालेलुया। अब निभा, अब कहां गई तेरी ताकत, अब कहां गया तेरे अंदर का वो जो तू दिखाता था कि मैं ये हूं, मैं वो हूं, बड़े वादे किए थे तूने, अब क्या हो गया? या तो बोल मत, और या फिर बोल तो करके दिखा।
एट एनी कॉस्ट करके दिखा। हालेलुया। और अगर तुम कर नहीं सकते तो तुम इसलिए नहीं कर सकते हो क्योंकि जो कुछ तुम कर रहे थे वो सब पाप था, और जो कुछ तुम कर रहे थे जो सब पाप था वो सब इसलिए पाप था क्योंकि यू डिड नॉट नो व्हाट वाज रिटन इन द बाइबल। तुम्हें मालूम नहीं था कि परमेश्वर के वचन में क्या लिखा हुआ है, इसीलिए तुम जो कर रहे थे वो गलत निकला। काश इस वचन को पढ़ता तो जो कुछ तूने किया और जिसकी वजह से तूने दूसरे की जिंदगी खराब कर दी और परमेश्वर की निगाहों में गुनहगार हुआ है वो तू कभी नहीं होता। आपको मालूम है इसमें भजन संहिता 119:9 में क्या लिखा हुआ है, साम 199, देखो भजन संहिता 119:9, जवान अपनी चाल को किस उपाय से शुद्ध रखे। सवाल है, सवाल, जवान अपनी चाल को किस उपाय से शुद्ध रखे। उत्तर आगे है, तेरे वचन के अनुसार सावधान रहने से। आप जाओ एक्लेसियास्टिस सभा उपदेशक चैप्टर 12:1, अपनी जवानी के दिनों में अपने सृजनहार को स्मरण रख इससे पहले कि विपत्ति के दिन और वे वर्ष आए जिनमें तू कहे कि मेरा मन इनमें नहीं लगता। हालेलुया। जवानी के दिनों में किसको स्मरण रख, अपने सृजनहार को, ना कि गर्लफ्रेंड को, बॉयफ्रेंड को, ना कि ट्विटर को, ना कि फेसबुक को, ना कि व्हाट्सएप को, ना कि दूसरी एप्लीकेशंस को, ना कि दोस्तों को, किसको स्मरण रख, अपने सृजनहार को। 2004 में मैंने अपना दिल यीशु मसीह को दिया और उसके बाद से मैंने अपने सारे दोस्तों को भुला दिया जो कहते थे आओ पिक्चर देखने चलें, आओ गेम खेलने चलें। मैंने कहा मेरी पिक्चर और मेरे गेम का नाम है यीशु मसीह, दिन रात उसी से खेलूंगा। हालेलुया। जिस भी गांव में गया वहां पर आत्माएं बची, जिस भी जगह पर मैं गया आत्माओं को बचा करके आया हूं, जिस भी जगह पर मैं गया वहां पर रोगी चंगे हुए, लोग आशीषित हुए और लोगों ने अपनी जिंदगी यीशु मसीह को दे दी। तो इससे बड़ा गेम क्या है। हालेलुया। आपने गेम खेला होगा, बच्चों ने भी खेलते होंगे। आप एक कार चलाते हो जो कहीं नहीं पहुंचती है क्योंकि गेम में ही चलती है, असली में नहीं चलती। आप जो है बाइक चलाते हो, वो है नहीं आजकल बड़े बड़े मॉल में एक वो प्लास्टिक का क्या है वो बाइक है, उसके ऊपर बैठा देते हैं, फिर बड़ी सी स्क्रीन होती है और उसमें देखते रहो और आपके सारे इमोशंस जगा देती है वो चीज। लेकिन आप सच में जब सब खत्म होता है तब आपको रियलाइज होता है यार आ गेम हाथो, ये तो गेम था हाथी, हाँ तो ये तो गेम था। अरे यार आजकल वो है ना 3D क्या है आंखों में लगा देते हैं, आंखों ने देखा नहीं आंखों में लगा दिया। वो क्या है, ये सूरदास है, सूरदास सूरदास समझते हो, जिनकी आंखें चली जाती हैं उनको सूरदास कहते हैं, तो उनको आंखों पे लगा दिया। ये बिल्कुल वही वाला है, मानो हेवन के आंख पर आके शैतान ने और कहा फल खा ले, खा लूं, हाँ खा ले, अच्छा खा लूं, हाँ खा ले, अच्छा क्यों, परमेश्वर के जैसे बन जाएगी, खा ले, अच्छा खा लूं, अब देखना तू फल कैसे दिखता है तेरे को, है हाँ हाथ हटा रहा हूं मैं देख, और फल उसे स्वादिष्ट लगा। ऐसी आजकल ये लगा देते हैं आंख पे और उसके बाद आपको क्या होता है, कई कई लोगों ने एक्सपीरियंस किया होगा, नहीं किया होगा तो कभी मत करना नहीं किया तो कभी मत करना, लगा देते हैं तो आपका, सुनो, आपका माइंड, आपकी एनर्जी, आपका पूरा बीपी ऐसे इसमें इन्वॉल्व होता है, आपको लगता है सब कुछ रियल हो रहा है, आप एक पहाड़ पे खड़े हो और गिरने वाले हो और फिर आपको संभालना, आप सचमुच में गिर रहे होगे क्योंकि वो आंख पे लगा हुआ है।
हालेलुया। लेकिन जब वो हटता है आपकी आंख से, तब आप पाते हो, अरे यार मैं तो यहीं पे हूं, कहीं नहीं गया, ये कहां कहां ले गया मेरे को, पहाड़ पे ले गया, नदी में ले गया, नाले में ले गया, कहां कहां नहीं ले गया, लेकिन मैं तो कहीं नहीं पहुंचा। हालेलुया, हालेलुया। तो ऐसी चीजों से फायदा क्या है, जिन चीज से, जिस चीज से फायदा है, काश उसमें लगा रहता तो जो नुकसान तुम्हारी जिंदगी में जुड़ गया वो कभी नहीं होता। हालेलुया। आपको मालूम है बाइबल कहती है, तू जीवन, मैं तेरे सामने जीवन और मृत्यु दोनों रख देता हूं, तू जिसे चुनेगा वही तेरे को मिलेगा। मैं आपको सच बता रहा हूं, यहां जो लोग बुजुर्ग लोग बैठे हुए हैं, जो वयस्क लोग बैठे हुए हैं, कोई इनसे पूछे तो इनको पता होगा कि क्या क्या नहीं करना चाहिए और क्या क्या करना चाहिए। हालेलुया। एक जॉन भैया आपके वहां पे वो एक अंकल हैं जिनकी उम्र है लगभग रनिंग 80 मतलब प्लस रनिंग है, तो वो जो है आते हैं सुबह 6 बजे आके मोटर चालू करना वगैरह। तो जब सब लोग, जब प्रार्थना वहां खत्म हो गई तो मैं उनसे मिला, तो मैंने उनसे ना बात की और मैंने उनसे पूछा क्या उम्र है आपकी, तो बोले मेरी उम्र है 80 प्लस उनकी उम्र थी। तो मैंने कहा कि तुम्हारी उम्र 80 प्लस है, अंकल आप ये बताओ कि जब आप जवान थे, मेरी उम्र में थे, तो आपके, आपने तो जमाना देखा होगा, दुनिया देखी होगी, क्या आप मुझे कुछ बता सकते हो। हालेलुया। क्या आप मेरे को कुछ बता सकते हो, क्या मुझे समझना चाहिए क्या नहीं समझना चाहिए। आपको मालूम है उन्होंने क्या बोला। हालेलुया। बोलते हैं कि मैंने ना दुनिया देखी है, मैंने दुनिया देखी है, और मैं आपसे इतना ही कहूंगा कि दुनिया बहुत खराब है बेटा। हालेलुया। और मुझे खुशी है कि जिस उम्र में मैंने यीशु को नहीं पकड़ा था, उस उम्र में तुमने यीशु को पकड़ रखा है। हालेलुया। ये मुझे खुशी देती है और मेरे को रियलाइज कराती है कि काश मैंने भी इस उम्र में यीशु को पकड़ा होता तो आज मेरी ये जो आंख चली गई, ये आंख नहीं जाती, उनकी एक आंख चली गई। हालेलुया। सही तो कहती है बाइबल, अपनी जवानी के दिनों में अपने सृष्टिकर्ता परमेश्वर को स्मरण रख, उन दिनों के आने से पहले जिन दिनों के विषय में तू कहेगा मुझे इसमें मेरा मन नहीं लगता है। हालेलुया। माय ब्रदर माय सिस्टर, एक दिन ना मैं अपने कमरे में बैठा था, प्रार्थना के कमरे में, और मैं क्या हुआ कि एक YouTube पे मैं अपनी ही वीडियो को देखता हूँ कि किसने क्या कमेंट किया, किसने क्या बोला है, जरा देखूं तो मैं देखता हूँ। तो हुआ ये कि जब मैं देख रहा था तो उसमें एक सजेशन था, राजेश खन्ना जो बुढ़ापे में मरा, जब मरे वो, तो मैं देखने लगा तो उनकी वो वीडियो भी देखी जब वो जवान थे, और उनकी वो वीडियो भी देखी जब उनको सबों ने छोड़ दिया। वो कहा करते हैं, उन्होंने अपने इंटरव्यू में कहा, वो जो है वो चेन स्मोकर हो गए थे, मतलब लगातार सिगरेट पीना, लगातार जब तक नींद नहीं आती थी तब तक सिगरेट पीना लगातार। और वो व्यक्ति ये भी कहता है कि वो क्यों उस आदत में चला गया, क्योंकि उसको बर्थडे विश करना, जब उसका सुपर, उसका जो स्टार्टर, इसका बोलते हैं उसको स्टार्डम मतलब जब वो जो है सातवें आसमान पे था, जब वो सुपरस्टार था, जब उसको सब लोग उसके बर्थडे पे विश करने और उसके बंगले के बाहर भीड़ लगा के खड़े रहते थे, जब डायरेक्टर और प्रोड्यूसर उसको पिक्चर आफ्टर पिक्चर ऑफर करते थे क्योंकि वो सुपरस्टार था, जिसमें वो काम कर लेता था वो पिक्चर हिट हो जाती थी। हालेलुया। वो कहता है कि मैं क्यों जो है एक पियक्कड़ बन गया, एक दुखी इंसान क्यों, कैसे बन गया, क्योंकि मुझे सबने जो है छोड़ दिया, मैं अकेला हो गया, कोई प्रोड्यूसर नहीं है मेरे पास, अभी कोई डायरेक्टर नहीं है। और अंत में उन्होंने एक फिल्म की, बिल्कुल वल्गर पिक्चर की लास्ट में उन्होंने, तो उसके बाद वो दुखी हो गए, पीड़ित हो गए,
सबने उन्हें छोड़ दिया, और वो जब ऐसे हो गए कमजोर अकेले, तब जो है वो जब मरने वाले थे तो बिल्कुल अकेले थे, कोई उनको मिला नहीं, वो मर गए। और सब लोगों ने श्रद्धांजलि दे दी, बहुत बड़ा पाखंड, और उसके बाद हो गया उनका काम तमाम खत्म। तो मैं बैठा हुआ था, जब मैं बैठा था तो प्रभु की आत्मा ने मुझे बोला, अशोक जिस रास्ते से तू ना जा रहा है उस रास्ते पे कभी वापस नहीं आएगा। हालेलुया। और क्या तू समझता है ऐसा? आज कितने सारे लोग हैं जो आपको आपका बचपन बहुत याद आता होगा, नहीं? आज आपको जैसे कोई दुख होता है ना, कोई पीड़ा होती है, कोई तनाव होता है, दिमाग फट जाने वाली जब सिचुएशन होती है, तब आप बैठ करके एक बच्चे को देखो तो आपको तुरंत याद आएगा, काश इसकी तरह मैं भी अपने बचपन में भाग जाता और रिवर्सिबल होता कुछ, तो मैं वहां जाके सही से फिर जीता हुआ आता है। काश जो है मेरे वो दिन वापस लौट आए, काश मैं वैसा हो जाऊं। ऐसे बैठ के सोचते सोचते सवेरे के 4 बज गए, आंखों में नींद नहीं, बिल्कुल भी नींद नहीं, मैं ऐसे ही बैठा रहा और मैं सोचता रहा मेरा क्या होगा परमेश्वर, मेरे साथ ऐसा हो गया तो क्या होगा, मैं मेरा भविष्य क्या है परमेश्वर, मैं कहां जा रहा हूं, क्या मैं सही कर रहा हूं, क्या होगा, ऐसे बोल रहा था कि परमेश्वर की आवाज आती है, डर मत, मैं तेरे साथ हूं, तूने जो चुना है वो तेरा, वो तेरे से कभी हटेगा नहीं, और मैं हमेशा तेरे लिए, क्योंकि तू जवानी में मेरे लिए खड़ा है इसलिए मैं बुढ़ापे में तेरे लिए खड़ा रहूंगा। हालेलुया। मेरे भाई मेरी बहन, मैं आपको सच कह रहा हूं कि जो कुछ हो सकता है कि आप बीते दिनों में बहुत कुछ अड़बड़ गड़बड़ सड़बड़ करते आए, लेकिन अब बंद कर दो, अब कम से कम जो है जितनी भी जिंदगी बची है ना, यीशु को दे दो और कहो प्रभु मुझे संभाल ले, मेरे परिवार को संभाल, जिससे कि जब आपकी आंखें यहां बंद हो जाएं, आप परमेश्वर को देखो, उससे मिलो और वो आपको डांटे ना। हालेलुया। इन दिनों में कुछ जज लोगों की वीडियो देख रहा था, जज, सुप्रीम कोर्ट के जज, हाई कोर्ट के जज, तो मैं देख रहा था कि ये कि जैसे आज जैसे आप घर में नहीं डांट देते हो, जोर से डांट देते हो किसी को, ऐसा नहीं डांटते हैं, मतलब जब बहुत हो जाती है, अति हो जाती है तो डांटते हैं, उनका सॉफ्ट टोन भी अगले को कंपाता है, सॉफ्ट टोन कि क्या वो कहेगा, जज कहेगा वेट, यस माय लॉर्ड, यस माय लॉर्ड, हालेलुया, वेट वेट वेट, आई एम लुकिंग, वेट, यस माय लॉर्ड, यस माय लॉर्ड, मतलब इतनी सी बात उसको कंपा रही है वकील को। हालेलुया। हमारा परमेश्वर तो न्यायियों के ऊपर न्यायी है, अगर उसकी आवाज सुनोगे, हल्का सा अगर वो आपको डांट देगा तो आप कहां जाओगे, उसकी वाणी तो लेबानोन के देवदारों को चीर डालती है, उसकी आवाज ऐसी है, जिन्होंने भी उनकी आवाज सुनी है वो एक बात जरूर बोलते हैं, जब परमेश्वर मुझसे बोला तो मुझे ऐसा लगा कि मैं टुकड़े टुकड़े हो जाऊंगा, उसकी आवाज इतनी पावरफुल है, वो आपको दिखाई तो नहीं है, इस दिखा नहीं तो इसका मतलब है नहीं, ना ना ऐसा नहीं है, उस तरह से वो ऐसा, ये देखो आपके सामने वचन है जो मैंने अभी बोला था, तो अपने उस महाप्रतापी परमेश्वर का भय माने, जो हुआ सो हुआ, जो किया सो किया, लेकिन अब आप गलत रास्ते पर ना चलें तो परमेश्वर आज आप पर दया कर देगा, लेकिन यदि आप छोड़ोगे नहीं तो दया नहीं होगी बल्कि दंड होगा। हालेलुया। उसके वचन को यदि आपको मिला है सुनने को तो सुन लो, क्योंकि ये वक्त दोबारा लौटेगा नहीं, क्या जाने आज बहुत कम लोगों में ऐसा होता है कि लाओ बुलाओ भाई, लाओ प्रार्थना करवाओ भाई, लेकिन यहां पर एक नाच गाना का कार्यक्रम होता तो गली भर जाती साहब, गली भर जाती। हालेलुया। आ जाती सपना चौधरी यहां पे तो फिर देखो क्या होता,
हरियाणा की तुम्हें मालूम है हाँ, तो हालेलुया। तो मतलब ये क्यों है? क्योंकि परमेश्वर के वचन से लोग जुड़े नहीं हैं, दुनिया से जुड़ गए हैं, तो दुनिया की तरफ चल पड़े हैं और इस तरह से गलत चुनते जा रहे हैं। उनको मालूम नहीं है कि यार क्या होगा, लेकिन जब होगा तब होगा, तब कहेंगे कि अब क्या करूं। तो डॉक्टर कहेगा मैं क्या करूं, तूने मुझसे पूछ के किया था जो किया, अब तो जो है ठीक है, तेरा ट्रीटमेंट करते हैं, देखते हैं क्या होता है, तेरी किडनी भी निकलेगी, तेरा गुर्दा भी निकलेगा, तेरी नसें भी कटेंगी, तेरे जो है ये हो जाएगा वो जाएगा। मैं नड़ियाद में हमारे एक भाई हैं, उनके घर गया था तो उनका पैर याद है, एक भाई का पैर, हालेलुया, जैसे उसने अपनी पैंट ऊपर की और दिखाया, हाँ, तो मैंने कहा अरे बाप रे, उसका पैर अजीबोगरीब तरीके से है, मतलब वहां का मांस गायब है, हड्डी ऐसे कुचला हुआ है और उसी को डॉक्टर ने जोड़ दिया। चलता तो है लेकिन लंगड़ा लंगड़ा के, दैट ओरिजिनैलिटी हैज गॉन। वो असली जो असली में परमेश्वर ने जो आज भाग सकते हो, दौड़ सकते हो, अरे एंजियोग्राफी करा ली या जो है कुछ भी तुमने स्टंट डाल दिया कुछ भी कर लिया, लेकिन वो बात थोड़ी आती बाद में। हालेलुया, एक बार इसको शरीर को कुछ हुआ ना, ओरिजिनैलिटी इसकी खत्म हुई तो गए काम से। हालेलुया, फिर तो इसी में ध्यान लगा रहेगा, जब सब कुछ ठीक है तो उसको स्मरण करता रहे तो आगे भी ठीक रहेगा। हालेलुया। आए हम प्रार्थना करें, मैं आपके लिए प्रार्थना करता हूं, प्रभु का आत्मा आपको स्पर्श करे, उसकी रूह आपको छुए, उसकी रूह आपको छुए, वो आपको गलतियां करने से बचाए। थैंक यू जीसस। प्रभु इस सोसाइटी को आशीष दे, इस जगह पर बैठे लोगों को, भाई बहनों को, बुजुर्गों को, माता पिताओं को परमेश्वर छुए, आशीषित करे, और आप में से कोई भी पहले की तरह नहीं बल्कि परमेश्वर के वचनों के आधार पर बदलता चला जाए। यस, खुदा की सारी नेमतों की बेकदरी तू न कर, खुदा की सारी नेमतों की बेकदरी तू न कर, खुदा की सारी नेमतों की बेकदरी तू न कर। कितनी सारी नेमतें, कितनी सारी बरकतें परमेश्वर ने आपको दी होगी, हाथ सलामत है, शरीर सलामत है, आंखें सलामत हैं आपकी, आवाज सलामत है, खा सकते हो, पच जाता है, सो सकते हो, आराम करते हो, काम कर सकते हो, कितने अच्छे हो आप। ये उसकी नेमतें हैं, ये उसकी बरकतें हैं, उसने आपको संभाले रखा। कितनी उम्र हो गई आपसे पहले के लोग चल बसे, लेकिन आप आज भी कायम हो, धन्यवाद दो उसका। खुदा की सारी नेमतों की बेकदरी तू न
न कर। याद करके रहमतों की, याद करके रहमतों की, कभी शुक्र गुजारी भी कर। याद करके रहमतों की, कभी शुक्र गुजारी, खुदा की सारी नेमतों की बेकदरी तू न कर। अगर आपको लगता है कि मैं कहां बेकदरी कर रहा हूं, मेरे भाई मेरी बहन, ये जिंदगी पाप करने के लिए नहीं दी परमेश्वर ने, ये जिंदगी अपनी मर्जी से जीने के लिए नहीं दी है परमेश्वर ने, ये जिंदगी अपनी मर्जी से कुछ भी चुनने के लिए नहीं दी थी परमेश्वर ने, परमेश्वर ने तो ये जिंदगी इसलिए दी थी कि तू उससे पूछ के जिएगा इस जिंदगी में। ये तुझे इसलिए नहीं मिली तेरी आवाज कि तू डांटता फिरे, तुझे तेरे तेवर इसलिए नहीं मिले कि तू दिखाता फिरे, तुझे जो भी आशीषें मिली हैं इसलिए नहीं मिली कि तू इतराता फिरे, बल्कि इसलिए कि तू सबके होने के बावजूद भी विनम्र बना रहे, सब कुछ होने पर भी तू दीन बना रहे, सीधा बना रहे, दया करने वाला हो, क्षमा करने वाला हो तू। यस, खुदा की सारी नेमतों की बेकदरी तू न कर। खुदा की सारी नेमतों की बेकदरी तू न कर। खुदा की सारी नेमतों की बेकदरी तू न कर। खुदा की सारी नेमतों की बेकदरी तू न कर। याद करके, याद करके रहमतों की, याद करके बरकतों की, कभी शुक्र गुजार। याद करके रहमतों की, कभी शुक्र गुजारी भी कर। खुदा की सारी नेमतों की। पहला कुरंथी 6:15 में लिखा हुआ है, क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारी देह मसीह के अंग हैं? सो क्या मैं मसीह के अंग लेकर उन्हें वेश्या के अंग बनाऊं? कदापि नहीं। ये अंग तेरे पाप करने के लिए नहीं है, परमेश्वर की महिमा करने के लिए है। ये अंग उसकी नेमतें हैं, उसको सौंप दे। खुदा की सारी नेमतों की बेकदरी तू न कर। खुदा की सारी नेमतों की बेकदरी तू न कर। जान दे के सूली पे बरकतों का दर उसने खोला, बरकतों का दर उसने खोला। जान दे के सूल
मुफ्त पाके बरकतों की, मुफ्त पाके बरकतों की बेकदरी तू न कर। मुफ्त पाके बरकतों की बेकदरी तू न कर। याद करके पिता, मैं प्रार्थना करता हूं इन सब भाई बहनों के लिए जो इस प्रार्थना में उपस्थित हैं। मैं इनके लिए प्रार्थना करता हूं कि इनमें से कोई भी ऐसा ना हो जो तूने दिया हो उसकी बेकदरी करता हो। चाहे थोड़ा दिया या ज्यादा दिया प्रभु, ये थोड़े में ही ईमानदार रहें तब तो तू ज्यादा पर भी इनको नियुक्त करेगा। जैसे हनोक था, जैसे नूह था, उनके समय में उनको बिगड़ने का मौका था, वो बिगड़ सकते थे, वो भी अपने समय के लोगों के समान अय्याशी कर सकते थे, वैश्यावृत्ति कर सकते थे, पाप कर सकते थे। यूसुफ के पास भी जब अधिकार आ गया था तो उसको भी ये मौका था कि वो भी जो है उस औरत के साथ जो उसे कहती थी आके मेरे साथ सो, वो सो सकता था और पाप कर सकता था।
लेकिन उनके पास मौका होने के बावजूद भी उन्होंने एक बात याद रखी कि परमेश्वर के दिए हुए ये अंग हैं, इनको मैं वैश्या का अंग कैसे बनाऊं? परमेश्वर ने मुझे ये शरीर दिया है और परमेश्वर इसमें रहता है, तो मैं इसको पाप को क्यों अर्पित करूं? और इसीलिए परमेश्वर तूने हनोक को उठा लिया, नूह को भी तूने जहाज में उठाया और बचाया, और इसीलिए तूने इब्राहिम, इसहाक और याकूब का भी साथ दिया और उनका परमेश्वर कहलाता है आज भी। मैं प्रार्थना करता हूं कि यही अकल और बुद्धि पवित्र आत्मा के जरिए से मेरे इन भाई बहनों को भी दे कि मैं भी अपने इस शरीर को गलत बात और पाप के लिए अर्पित ना करूं, बल्कि तेरी महिमा के लिए अर्पित करूं, जैसा कि वचन में आया भी है कि अपने अंगों को परमेश्वर की महिमा के लिए चढ़ाओ, ऐसा रोमी 6 में लिखा हुआ है। मैं प्रार्थना करता हूं पिता, हम में से कोई भी अगर ऐसे रास्ते पर चला गया जहां से लौटना आज मेरे लिए मुश्किल और कठिन हो रहा है, तो प्रेमी पिता तेरा अनुग्रह जो पर्याप्त है हर एक के लिए जो लौटना चाहता है, हर एक के लिए जो बदलना चाहता है, हर एक के लिए जो सुधरना चाहता है, हर एक के लिए जो तेरी ओर आना चाहता है, उसको वो अनुग्रह आज, वो अनुग्रह उसको मिले आज, वो कृपा उसको मिले और वो लौट आए तेरी ओर और अपनी जिंदगी तुझे सौंप करके बाकी की शेष जिंदगी तेरे लिए जिए। चाहे कोई भी उम्र इनकी क्यों ना हो, आज यदि ये तेरी आवाज सुनते हैं और अपना दिल कठोर नहीं करते हैं, आज यदि तू इनको छूता है तो ऐसा छू कि ये कभी बदल ना पाए, ये कभी जो है पीछे ना जाने पाए, वरन अपनी जिंदगी तेरे हाथों में दे करके बाकी की शेष जिंदगी तेरी महिमा के लिए जिए। और प्रभु तू इनको स्वर्ग में इनके सिर के ऊपर मुकुट प्रदान करके इनको आदर का, इज्जत का ओहदा देकर नवाज। मैं प्रार्थना करता हूं पिता, लोग जो अपने अपने रास्ते को पकड़ करके भटक रहे हैं उनका भटकना बंद हो जाए, जो गलत बातों में, गलत पापों में, गलत संगति में हैं, प्रभु निकलना मुश्किल है लेकिन मुझे मालूम है जब तू मदद करता है तो सब आसान हो जाता है। ये बातों से नहीं हो सकता, ये किसी विचार से या किसी योजना से नहीं हो सकता, लेकिन तेरे आत्मा के द्वारा हो सकता है, क्योंकि लिखा है ना तो शक्ति से ना तो बल से वरन मेरे आत्मा के द्वारा हो जाएगा। तेरे आत्मा के द्वारा लोगों का बदलाव हो, सुधार हो, परिवर्तन हो, जीवन बदले। जो माँ रो रही, जो बाप रो रहा कि उसका बेटा और बेटी बिगड़ गए हैं, जो पत्नी रो रही, जो पति रो रहा है क्योंकि उनका परिवार बिगड़ गया है, जो खानदान रो रहा है, जो आंसू बहा रहे, मैं प्रार्थना करता हूँ प्रेमी पिता उनकी जिंदगी आज रात यीशु आपके नाम से बदल जाए। शैतान के उनके ऊपर जो कब्जे हैं, जो श्राप हैं, जो गढ़ बने हुए हैं, जो निकल नहीं पा रही, यीशु आपके नाम से मैं प्रार्थना करता हूँ कि निकल पाए और लोगों को छुटकारा मिले, आजादी मिले यीशु आपके नाम में। इस इलाके में बेदारी आए, नवीनीकरण आए और नवीनीकरण का सैलाब आए प्रभु। मैं प्रार्थना करता हूँ प्रभु हर एक व्यक्ति, हर एक भाई और बहन उन बंधनों को तोड़ करके, छोड़ करके प्रभु यीशु आपकी तरफ आ जाए और आप उसके प्रभु बन जाओ। वो आपके लिए जीने वाला हो, वो आपको स्मरण करे, आप ही उसके प्रभु हो, आप ही उसके स्वामी हो, आप ही उसके मसीहा हो, आप ही नाम मात्र के लिए कोई तुझे अपना प्रभु ना कहे, बल्कि जब वो कहे कि यीशु मेरा प्रभु है तो वो सच में इसको दिखाए कि सच में तू ही उनका प्रभु है। उनकी जिंदगी पर तू ही अधिकार कर, दूसरी चीजें जो अधिकार कर रही, नशा जो अधिकार कर रहा है, आवारा गर्दी जो अधिकार कर रही है, गलत संगति जो अधिकार कर रही है, जो शैतान अधिकार कर रहा है, जो जादू टोना अधिकार कर रहा है, जो पाप अधिकार कर रहा है, जो व्यभिचार अधिकार कर रहा है, जो झूठ अधिकार कर रहा है, जो धोखा अधिकार कर रहा है, जो बेईमानी अधिकार कर रही है, जो चोरी चकारी अधिकार कर रही है, यीशु के नाम से उसे मैं कैंसिल करता हूँ, यीशु के नाम से मैं उसके गढ़ों को उखाड़ देता हूँ, जड़ों को उखाड़ देता हूँ यीशु मसीह के नाम में। हर एक भाई और बहन को आज रात आप छुए, जो भी प्रार्थना में लीन है मेरे साथ, जो भी प्रार्थना कर रहा है, जो भी मेरे साथ जुड़ा हुआ है, प्रेमी पिता आपका अनुग्रह उसके ऊपर आ जाए, आ जाए, आ जाए, वो छुआ जाए, तेरा हाथ उसके ऊपर आए, उस जवान पर, उस बेटे पर, उस बेटी पर, उस बुजुर्ग पर, उस अधेड़ उम्र वाले पर जो तुझे पुकार रहा है प्रभु, तू उसे छू, मैं प्रार्थना करता हूँ। यस यस
राजेश 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 प्रभु तेरे को छू रहा है इस समय। एक एक को आप स्पर्श करें प्रभु, बदलने की दशा तक स्पर्श करें, स्पर्श करें, स्पर्श करें हैं। लोग जीवन दे दें तुझे, शैतान की करारी हार हो प्रभु, उसके सारी योजनाएं विफल कर देता हूं, उसकी सारी योजनाओं को जो बना करके बैठा था इस 2024 में, उसको मैं कैंसिल कर देता हूं यीशु मसीह के नाम में। प्रभु झुंड के झुंड तेरी ओर, तेरी चरागाह में चले आए मैं प्रार्थना करता हूं प्रभु जी, अपनी जिंदगी तुझे सौंप करके यीशु मेरा प्रभु है बोल करके जीने वाले लोग हो जाएं, क्या जवान क्या बुजुर्ग, क्या महिलाएं क्या पुरुष क्या बच्चे, सब लोग प्रभु तेरे लिए जिए प्रभु, सच में जिए। हर एक घृणा लोगों के अंदर से, जलन की भावना लोगों के अंदर से, व्यभिचार की भावना, एक दूसरे को गिराने धोखा देने की भावना अंदर से निकल जाए, क्योंकि बाइबल कहती है मनुष्य जो बोता है वही लुनता है, कोई भी ऐसा ना बोए कि यदि तुम धोखा बोओगे तो धोखा लुनोगे, यदि तुम व्यभिचार बोओगे तो तुम व्यभिचार लुनोगे। आज तुम व्यभिचार कर रहे हो, कल को तुम्हारे ही बेटा और बेटी करेंगे, तब तुमको दुख होगा। इसलिए आज ही छोड़ दे, आज ही भूल जा, आज ही पीछे हट, आज ही उस पाप को बाइबल कहती है तू अपने घर में ना रहने दे, उसे बाहर निकाल दे। यस, परमेश्वर से डर, परमेश्वर का भय मान। तुम अंत के दिनों में हो, नूह के जहाज जैसा आज भी एक जहाज बन रहा है जो उड़ने को तैयार है, जो जाने को तैयार है, जिसमें लोग अपनी सीट बुक करा करा करके बैठ रहे हैं, जो मेहनत कर रहे हैं, जो प्रार्थना कर रहे हैं, जो उपवास कर रहे हैं, जो जो दान और दशमांश देने में लगे पड़े हैं, जो प्रभु की सेविकाई में लगे पड़े हैं, जो सुसमाचार सुन रहे हैं, जो अपने मोबाइल के डेटा का उपयोग गलत बातों को देखने के लिए नहीं बल्कि परमेश्वर के वचन को सुनने के लिए कर रहे हैं, ऐसे लोग तैयार कर रहे हैं अपने आप को कि वे उठाए जाएं, जब उठाया जाना हो तो वे छोड़े ना जाएं। प्रेमी पिता मैं प्रार्थना करता हूं लोग जाग जाएं, लोगों की बेहोशी दूर हो यीशु आपके नाम में, लोगों की बेहोशी दूर हो यीशु आपके नाम में, उनकी बेहोशी दूर हो, मैं प्रार्थना करता हूं तेरा स्पर्श, तेरा गहरा स्पर्श लोगों को हो, और हर एक को हो, और वे अपनी जिंदगी आज रात तेरे को दे दें, प्रभु तेरी महिमा इनकी जिंदगी में होने के लिए मैं प्रार्थना करता हूं। अगर इनमें से कोई बीमार है या लाइव में कोई जुड़े हैं बीमार हैं, किसी को कोई बीमारी है, हार्ट प्रॉब्लम है, किडनी प्रॉब्लम है, ब्लड प्रेशर है, कोलेस्ट्रॉल है, हर्निया है, थायराइड है, साइनस है, सर्वाइकल है, शुगर है, यीशु आपके नाम में मैं हुक्म देता हूं कि इनके शरीरों से निकल करके खत्म हो जाएं। कोई दर्द है, कोई रीढ़ की हड्डी में प्रॉब्लम है, स्पाइन प्रॉब्लम है, दिमागी समस्या है, रिपोर्ट खराब आ रही है, आंखों में प्रॉब्लम है, फेफड़े में प्रॉब्लम है, या किडनी में प्रॉब्लम है, या पैरों में प्रॉब्लम है, या चमड़ी में प्रॉब्लम है, या गुप्त रोग है, या पीरियड्स प्रॉब्लम है, यीशु आपके नाम में मैं हुक्म देता हूं ठीक हो जाए, तेरी सामर्थ उन्हें छू ले और तेरी सामर्थ उनको इस समय ठीक करे यीशु, मैं प्रार्थना करता हूँ। बीमार लोगों के ठीक होने के लिए प्रार्थना करता हूँ, जो लकवाग्रस्त हैं, जो हार्ट पेशेंट हैं, जो अपंग हैं, जो अपाहिज हैं, जिनके हाथ पैर सीधे नहीं होते, जिनकी नसें ब्लॉक हो गई हैं, जिनको प्रभु आधा अंग फालिस मारा हुआ है, जिनकी आंखों में, जिनके चेहरे पर प्रभु प्रॉब्लम हो गई है, जिनको कैंसर हुआ है, यीशु आपके नाम में मैं प्रार्थना करता हूँ ठीक हो जाए। इस प्रार्थना को रिसीव करने वाला ठीक हो जाए यीशु के नाम में, यीशु के नाम में ठीक हो जाए। जो रिपोर्ट आई है प्रभु यीशु के नाम से वो रिपोर्ट चेंज हो जाए इनकी, जो इनका पैसा बर्बाद हो रहा है वो बर्बाद होना बंद हो जाए, जो इनका पैसा लेकर के दे नहीं रहा है, ब्लैकमेल कर रहा है, इनको धमका रहा है, मैं प्रार्थना करता हूं इनका फंसा हुआ पैसा, इनका मेहनत का पैसा इनको मिले। जो आंसू बहा रहे हैं कि हमारे साथ अन्याय हुआ है, मुकदमे में इनकी सुनवाई नहीं हो रही, इनको सही से इनका फैसला नहीं हो रहा, मैं प्रार्थना करता हूं इनका सही फैसला हो परमेश्वर, तू इनका न्याय चुका दे। मैं प्रार्थना करता हूं लोगों की दुहाएं तेरे पास पहुंचे, लोगों का रोना तुझे दिखाई दे,
मैं जानता हूँ तू देख रहा है, मैं जानता हूँ तू सुन रहा है, मैं जानता हूँ कि तू ही प्रबंध कर रहा है, मैं जानता हूँ यहोवा के पर्वत पर उपाय किया जाता है, यहोवा के पर्वत पर उपाय किया जाता है। प्रभु, there is providence in you, तू प्रबंध करने वाला परमेश्वर है। लोगों का प्रबंध कर, मैं प्रार्थना करता हूँ प्रभु, लोग जो इंटरव्यू देकर के पढ़ाई करके और पास होने की उम्मीद में, नौकरी पाने की उम्मीद में लगाए बैठे हैं, प्रभु आप उन्हें छुएं। मैं प्रार्थना करता हूँ काजल किंजल सुराग के लिए, प्रभु आप उन्हें छुएं। मैं प्रार्थना करता हूँ प्रभु ऐसे लोगों को जिन्होंने मुझसे कहा मेरे लिए प्रार्थना करो, भाई हम बहुत दुखी पीड़ित हैं, कर्ज में हैं, निराशा में हैं, टूटे हुए हैं, हमारी पत्नी परिवार बच्चे सब बिखर गए, इस तरह से बोलते हैं, मैं कर्ज में आ गया हूँ, मुझे ब्याज चुकाते चुकाते मैं डूबा जा रहा हूँ, मैं टूटा जा रहा हूँ, मैं नष्ट हो रहा हूँ, मैं मरने मरने पर हूँ, मैं आत्महत्या करने का मन होता है, मैं कहाँ जाऊँ, मेरे परिवार में कुछ भी ठीक नहीं चल रहा है, मेरा घर जो है टूट गया है, मैं सड़क पर आने को तैयार हूँ, जिंदगी जी नहीं जा रही, ऐसे लोगों के लिए प्रार्थना करता हूँ प्रभु जी, यीशु के नाम में छुटकारा हो इनका, यीशु के नाम में ये बचा लिए जाएं, यीशु के नाम में ये छुड़ा लिए जाएं, यीशु के नाम में इस इलाके में बेदारी आए, यीशु के नाम में शैतान के गढ़ों को मैं ढाए देता हूँ, यीशु के नाम में नशे की आत्माएं चीखती चिल्लाती हुई लोगों के अंदरों से निकल जाए, यीशु मसीह के नाम में जुए की आत्मा निकले, यीशु मसीह के नाम में व्यभिचार की, लालच की, झूठ की आत्मा, धोखे की आत्मा, बेईमानी की आत्मा लोगों को छोड़ के निकल जाए। प्रार्थनाहीनता, जो प्रार्थना नहीं करते, वचन नहीं पढ़ते, ऐसी आदतें लोगों के अंदर से खत्म हो जाए। मैं प्रार्थना करता हूं प्रभु इस समय एक एक को स्पर्श करें, तेरी बड़ी महिमा होने पाए, तेरी बड़ी महिमा होने पाए, सच में सच में सच में सच में आप रिसीव करें, रिसीव करें, विश्वास करें। विश्वास करने वालों के लिए सब कुछ हो सकता है, विश्वास करने वालों के लिए सब कुछ हो सकता है। थैंक यू जीसस। जो लोग आईसीयू में हैं, जो लोग गिर के चोटिल हुए हैं, जिनको आंखों में प्रॉब्लम है, शरीर दुर्बल हो गया है, कानों से सुनाई नहीं देता है, जिनका ऑपरेशन हुआ है या कुछ ब्लड क्लॉटिंग है या जो है बहुत दर्द होता है शरीर में, दुष्ट आत्मा लगी हुई है या एडमिट हैं अस्पताल में, मैं प्रार्थना करता हूँ आप उन्हें छुएं। जो घरों में बीमार पड़े हैं, बुखार है, रिपोर्ट नॉर्मल नहीं आ रही, खून की कमी हो गई है और बीमारी से त्रस्त हैं, कई साल हो गए बीमार होते होते, ठीक ही नहीं हो पा रहे, पैसा खर्च होता जा रहा है, कोई तो नशे में है, कोई दुष्ट आत्मा से ग्रसित है, तो किसी के परिवार में, किसी के बच्चों के साथ में प्रॉब्लम चल रही, तो कोई मन नहीं बदल पा रहा, किसी का कोर्ट केस लगा है, झूठे मुकदमे लगे हैं, पैसे फंसे हुए हैं, पढ़ाई में कमजोर हैं या एग्जाम में कम जो है प्रॉब्लम हो गई है या जॉब में प्रॉब्लम हो गई है या आत्मिक ग्रोथ नहीं हो पा रही, मैं इनके लिए सबके लिए प्रार्थना करता हूँ प्रभु आप इन्हें छुएं, इनके साथ में तेरी बड़ी महिमा होने पाए। मैं प्रार्थना करता हूँ एक एक भाई जो यहाँ बैठे हैं, एक एक के लिए मैंने प्रार्थना की है आप रिसीव करें, आप जो लाइव में है मैंने प्रार्थना की आप रिसीव करें, आप ठीक हो रहे हो आप रिसीव करो। रिसीव करने का मतलब ग्रहण करो, कहा करो मैं रिसीव करता हूँ, अपने मुंह से जब तक कहोगे नहीं रिसीव नहीं होगा, आप कहा करो मैं रिसीव करता हूँ, मैं ग्रहण करता हूँ इस प्रार्थना को जो मेरे लिए की जा रही है। पुष्पेंद्र गुप्ता के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ, आरिफ खेस के लिए, जगदेव एक्का के लिए, प्रीति रांची से, जयश्री के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ, डायना समल के लिए, जीतू कन्नौजिया के लिए, मनीष मिंज, प्रफुल्ला भगत कोरबा से, जयश्री सचिन के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ, लवली के लिए और रुवेला के लिए, प्रदीप, तुलसी राम, संजू पासवान, शांति जानी, नीलेश के लिए, ताज कनाडा से और जित ज्योतिबा के लिए, जित विजेंद्र राव के लिए, रेंगटर रमन और शिखा रानी के लिए, प्रतिभा सुनील कुमार और मानती देवी के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ, संतोषी के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ, रेचल के लिए, जग्गू के लिए, आमोद के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ, सविता बेन राठौर के लिए, पूर्णिमा एलोइस परमार के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ, उर्मिला कोलाको के लिए, विंसेंट जेम्स के लिए, चेतन मैकवान, राजविलास वागड़े के लिए, पिनाकी मंडल के लिए प्रार्थना करता हूँ, हर्ष केसरी, अवनिका भरूस से इनके लिए, आशा बेला लुगुन के लिए, आशुतोष पाल, रंभा नीतू, मुकेश के लिए, पूजा सिद्धार्थ, प्रज्ञा बेन पटेल, सोमो कुजुर,
के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ, रेशमा शांति मरकम के लिए, इंद्रजीत के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ प्रभु, एक एक को आप स्पर्श करें, तेरी बड़ी महिमा इनके साथ हो और हर एक भाई और बहन बड़ी गवाही लेकर के आए, बड़ी गवाही लेकर के आए, बड़ी गवाही लेकर के आओ आप, आमीन आमीन बोलो, आप बड़ी गवाही के साथ आएंगे, रिसीव कर ले आप, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। मैं प्रार्थना करता हूँ मई 20 मई से लेके 20 जून तक जो हमने वर्शिप ट्रेनिंग प्रोग्राम रखा है परमेश्वर, वो तेरी बड़ी महिमा के साथ में सफल होने पाए। जो लोग इसमें शामिल होंगे वे प्रभु जैसे आए वैसे वो वापस नहीं जाएंगे, वे आशीषित होकर के जाएंगे। यीशु मसीह के आप नाम में मैं जीत को घोषणा करता हूँ, विक्ट्री को डिक्लेयर करता हूँ हम सबकी लाइफ में यीशु मसीह के नाम में, कहें आमेन 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 और ताली बजाएं उसके लिए, महिमा दें उसको यीशु मसीह के नाम में, कहें आमेन आमेन आमेन। गॉड ब्लेस यू, प्रभु ने आपको छुआ है, आप अगर गवाही देना चाहते हैं तो आप अपनी वीडियो बना के हमारे व्हाट्सएप नंबर पे जो कि 6398779772 है और आप कॉल कर सकते हैं हमसे प्रार्थना निवेदन अगर आप करना चाहते हैं, बाप हमको अपनी प्रार्थना निवेदन पहुंचा सकते हैं, केवल बताओगे तो मैं भूल जाऊंगा लेकिन आप अगर मुझे लिख दोगे तो मुझे याद रहेगा कि आपके लिए प्रार्थना करनी है और वो कानूनन मेरे ऊपर आ जाता है कि मुझे प्रार्थना करनी है। मुझे बहुत सारे लोग प्रार्थना निवेदन भेजते हैं, आप भी भेज सकते हो, आप इस लाइव प्रार्थना से रोजाना जुड़ सकते हो, रोजाना 8 बजे से लेकर 10 बजे तक मैं लाइव होता हूँ, आप जुड़ सकते हैं और आपको जानकारी मिल सकती है कि हमारा अगला प्रोग्राम कहाँ होने वाला है और आप वहां आ सकते हैं, आशीषित हो सकते हैं, पर्सनली आप मिल सकते हैं लेकिन पहले बताने के बाद। इसके अलावा 20 मई से 20 जून तक जो प्रार्थना जो वर्शिप ट्रेनिंग प्रोग्राम है जो कि कुशलगढ़ राजस्थान में हमने अरेंज किया है, वहां आने के लिए आपको मेघनगर जो एमपी में पड़ता है, MEGHNAGAR मेघनगर, मेघनगर अलग अलग नहीं लिखेंगे आप, मेघनगर एक ही साथ लिखना है तब जा करके आप टिकट बुक कर पाएंगे। तो आप जहां से भी आते हैं मेघनगर लिखें और टिकट बुक करके आप उसकी फोटो मुझे साफ साफ भेजें जिससे हम आपको लाने की व्यवस्था कर सकें। प्रोग्राम नजदीक आते ही 10 दिन पहले ही मैं अनाउंसमेंट करना बंद कर दूंगा, उसके बाद में यदि आप मुझे सूचित करेंगे तो आपको आपके आने की व्यवस्था स्वयं करनी पड़ेगी स्टेशन से, इसलिए जरूरी है कि आप पहले ही मेरे को बता दें कि आप आ रहे हो तो कब आ रहे हो, तो आपका जो ये है टिकट की फोटो आप मेरे को भेज दें। और यदि आप आते हैं तो आप गिटार, आप हारमोनियम, आप कीबोर्ड कैशियो लेकर के या ढोलक लेके या तबला लेकर के अगर है आपके पास तो आप आओ, नहीं है तो आप वैसे ही आओ, आप सिंगिंग में इंटरेस्टेड हैं, आप इंस्ट्रूमेंट में इंटरेस्टेड हैं, जो भी है, आप लेकर के आए और 1 महीने की ये ट्रेनिंग होगी और इसमें आप जो है शैतान के हाथ पैर तोड़ने वाले बन के निकल के जाओगे। हाँ हालेलुया, तो आप इसमें आ सकते हो, आपको रजिस्ट्रेशन करना होगा, ये फ्री प्रोग्राम नहीं है, आपको रजिस्ट्रेशन करना होगा। रजिस्ट्रेशन करने के लिए हर दिन की लाइव प्रार्थना के डिस्क्रिप्शन में आपको ये सब मिल जाता है और आप रजिस्टर कर सकते हैं और रजिस्ट्रेशन फीस बहुत मामूली सी है, मात्र 1500 रुपये, वो भी महीने भर में ट्रेनिंग और भोजन भी हम आपको देंगे जो कि बहुत थोड़ा है। कई लोग हमें स्पॉन्सर कर रहे हैं, यदि आप में से कोई इच्छुक व्यक्ति इस प्रोग्राम के लिए स्पॉन्सर करना चाहेगा यू आर मोस्ट वेलकम। आप जो है हमारे वेबसाइट पे जाके ऑनलाइन जा करके आप अपना बीज बो सकते हैं, आप भेंट दे सकते हैं, प्रभु आपको बहुत बहुत आशीष दें। और मेरे लिए मेरी टीम के लिए आप जो प्रार्थना करते हैं, आप जो याद रखते हैं, आप जो इनवाइट करते हैं, प्रभु आपको बहुत आशीष दे, ये घर ये परिवार ये सोसाइटी आशीषित हुई है, मार्क माय वर्ड, आप मेरे शब्दों को चिन्हित कर लो। आने वाले दिनों में आप चाहोगे दोबारा से हम यहाँ प्रार्थना करें तो हम दोबारा इधर आ जाएंगे। हालेलुया, ओके, तो ये डिटेल आप देख लो, प्रभु आपको आशीष दे, तो तुरंत हम वापस आते हैं। वो पहले जो वो है वर्शिप ट्रेनिंग प्रोग्राम की डिटेल आप दिखा दें।
हम गाते हैं, ताली बजाते हैं, क्या यह आराधना नहीं है? क्या गाना सीखना और इंस्ट्रूमेंट सीखना सच्ची आराधना सीखने के बराबर है? स्तुति और आराधना एक दूसरे से संबंधित है, लेकिन इनके कार्य और अनुभव बहुत अलग है। स्तुति की शुरुआत हमारे द्वारा की जाती है, लेकिन आराधना परमेश्वर का प्रत्युत्तर है। स्तुति हमारा परमेश्वर के लिए घर बनाना है, आराधना परमेश्वर का आकार ठहरना है। स्तुति संतुष्टि का परिणाम है, लेकिन आराधना भूख का परिणाम है। आराधना अपने आप नहीं, ये तो परमेश्वर पर निर्भर है। हम स्तुति के जरिए से आराधना में प्रवेश करना चाह सकते हैं, लेकिन ये परमेश्वर पर निर्भर है कि वह हमारी पहल का जवाब देगा या नहीं। सच तो ये है कि हम तब तक परमेश्वर की आराधना नहीं कर सकते जब तक कि हम पहले उसकी स्तुति न कर लें, और यह स्तुति सच्चाई से होनी चाहिए। नए विश्वासी परमेश्वर से स्वास्थ्य, धन और समृद्धि चाहते हैं। थोड़े परिपक्व विश्वासी परमेश्वर से अभिषेक, शक्ति और वरदान और अनुग्रह मांगते हैं। फिर भी जिन्हें परमेश्वर खोज रहा है वे सच्चे आराधक हैं। वे सामान्य मनुष्य नहीं, उन्हें परमेश्वर के मित्र के रूप में पहचाना जाता है। यही कारण है कि इब्राहिम, मूसा और दाऊद परमेश्वर के इतने घनिष्ठ मित्र थे। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। प्रभु आपको बहुत बहुत आशीष दे। जाते जाते मैं एक भजन गा के जाता हूं। आप गा सकते हो, यहां के लोग तो गा ही सकते हैं। तूने विराम कराब तू,
पान कर अब तो चराब तुमने वीराम कराब तो शीतल नीर ना पान कराब तो आपको बहुत बहुत आशीष दे, आप उसमें हमेशा हमेशा बने रहें और उसकी उपस्थिति आप में बनी रहे और आपको लेके चले, आप प्रोटेक्टेड रहें, आप सुरक्षित रहें, आप जहां भी जाएं आप आशीषित जाएं और आशीषित ही लौट आएं। आपको मैं आशीर्वाद देता हूं कि आपके सब काम सफल हों और आपके मार्गों में प्रकाश रहे, यीशु मसीह के नाम में आमीन। God bless you. Jai Yeshu. Good night. यदि आप इस प्रार्थना द्वारा आशीषित हुए हैं तो कृपया अपनी गवाही की वीडियो बनाकर WhatsApp नंबर 6398779772 पर भेजें। आप अपनी प्रार्थना निवेदनों को 9456596390 पर प्रातः 10:30 से दोपहर 2 के बीच कॉल कर बता सकते हैं। स्क्रीन पर दिखाए गए ईमेल एड्रेस पर भी आप संदेश हम तक पहुंचा सकते हैं। यदि आप इस मिनिस्ट्री द्वारा सुसमाचार को फैलाने में आर्थिक सहायता करना चाहते हैं या आर्थिक रूप से बीज बोना चाहते हैं तो सामने दिए गए डिटेल पर ऑनलाइन या ऑफलाइन कर सकते हैं।
भारत के बाहर से भेंट भेजने के लिए व्हाट्सएप नंबर 6398779772 पर संपर्क करें। प्रभु यीशु मसीह की आशीष आप पर और आपके परिवार पर हमेशा बनी रहे। आमीन। कृपया ध्यान दें, अशोक मार्टिन मिनिस्ट्री की एप्लीकेशन अब से गूगल प्ले स्टोर पर उपलब्ध है, जिसे आप गूगल प्ले स्टोर पर जाके डाउनलोड कर सकते हैं। इसके लिए आप गूगल प्ले स्टोर पर अशोक मार्टिन लिखकर सर्च कर सकते हैं। सर्च करने पर अशोक मार्टिन मिनिस्ट्री की एप्लीकेशन आपको मिल जाएगी, जिसे आप इंस्टॉल कर सकते हैं। इस एप्लीकेशन में आप अशोक मार्टिन मिनिस्ट्री की हर दिन की लाइव प्रार्थना, दैनिक आहार, गीत और अन्य वीडियोस देख सकते हैं। आप इस दिए गए फॉर्म को भरकर अपने प्रार्थना निवेदन हमें भेज सकते हैं। दशमांश और भेंट भेजने के लिए आप इस आइकन पर क्लिक करें, गिव ऑफरिंग्स में जाएं और इन डिटेल्स को फॉलो करें। यदि आप खुद से अशोक मार्टिन मिनिस्ट्री की प्रार्थना सभा आयोजित करवाना चाहते हैं, तो इस आइकन पर क्लिक करके इवेंट्स में जाकर ऑर्गेनाइज इवेंट्स के इस फॉर्म को भरकर हमें भेज सकते हैं। धन्यवाद।